हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लिमिट का आगे बढ़ते हैं, अगला लेक्चर है। उस दिन कुछ 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 करके अपन ने बंद कर दी थी, कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, शुरू करते चलिए आज, है ना। वापस एक्सरसाइज टू, शीट का नंबर ही मैं मेंटेन कर रहा हूँ, उसको प्रॉपरली देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखिए, क्या आप लॉपिटल लगा सकते हैं यहाँ पे, जरा ध्यान से। सही बात है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, बोले न्यूमरेटर 10x into 10 inverse x minus x square divided by x raised to power 6। सही बात है, जीरो डालो, क्या आ रहा है 10 0 0, 10 inverse 0 0, 0 by 0 format दिख रहा है। क्या लॉपिटल का फॉर्मेट है? बिल्कुल बराबर लॉपिटल का फॉर्मेट है। क्या अपन डिफरेंशिएशन करें? बिल्कुल करें। बट अब ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 10x into 10 inverse x काफी खतरा चीज आ रहा है जनाब, समझ आ रहा है क्या? ये 10x into 10 inverse x जो डिफरेंशिएशन बनेगा, सोचो ना कितना गंदा बनेगा। 10x into 10 inverse का डिफरेंशिएशन प्लस 10 inverse into 10x का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लगेगा। और मुद्दे का बात वो नहीं है, मुद्दे का चीज क्या है मैं बताऊं आपको? मुद्दे का चीज ये है कि नीचे x to the power 6 है, मतलब जब तक मैं इस चीज को कांस्टेंट टर्म में कन्वर्ट ना कर दूं तब तक तो x बचा रहेगा, और जब तक x बचा रहेगा डिनोमिनेटर में जीरो आता जाएगा, मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म मेंटेन होता जाएगा। नहीं आ रहा है, लॉपिटल कहां पे लगाना है कहां पे नहीं लगाना है उसका एक एप्लीकेशन सिखा रहा हूं, जरा ध्यान से सीखिएगा, समझ में आ रहा है क्या? अगर अपन सोचते कि क्या लॉपिटल लगाए या नहीं लगाए, जैसे इस क्वेश्चन को देख के मैं हट जाऊंगा, बोले लॉपिटल से तो नहीं होगा, दूसरा दिमाग लगाओ, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो लिख लो, समझ आ रहा है। x टू दी पावर 6 है, उसको अगर डिफरेंशिएशन कर करके अगर आपको कन्वर्ट करना है नॉन जीरो टर्म में, बिकॉज जब तक जीरो आएगा ऊपर भी किसी ना किसी तरीके से जीरो बन ही जाएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म अगर मेंटेन रह गया तो इनडिटरमिनेसी रिमूव कौन करेगा, समझ आ रहा है ना। तो अगर आपको लॉपिटल करना है तो 6 स्टेप डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 6 स्टेप। आप समझ पा रहे हो कि कितना गंदा चीज होगा ये। इस चीज को डिफरेंशिएशन करने के बाद, न्यूमरेटर वाले टर्म को डिफरेंशिएशन करने के बाद, ये तो और भी खतरनाक चीज बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, बराबर चीज समझ में आ रहा है ना। ये 10x into 10 inverse का डिफरेंशिएशन प्लस 10 inverse into 10x का डिफरेंशिएशन, उसके बाद उसका जो आंसर आएगा उसको जब सेकंड डेरिवेटिव भी करने जाएंगे तभी अपन हालात खराब हो जाए पूरा पूरा, समझ में आ रहा है ना। तो इस जगह पे हम लॉपिटल और अप्लाई नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक बात है। ये एक प्रॉपर एग्जांपल मैंने आपको दिया जहां पे हम लॉपिटल को अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज हो तो जाएगा बट कम से कम 3 पेज का कैलकुलेशन होगा, समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। इसीलिए हम यहां पे कुछ और सोचने का प्रयास करेंगे, क्या सोच सकते हैं और है क्या इस प्रकार से? तो कोई फॉर्मेट आपको मिला ही नहीं ना आज तक, मिला क्या भाई? नहीं मिला। तो एक ही चीज बचता है कि सर 10x और 10 inverse x का एक्सपांशन पे सोचो, और कोई रास्ता है ही नहीं, सारे रास्ते बंद है, समझ में आ रहा है ना। तो ये एक प्रॉपर ब्यूटीफुल क्वेश्चन हो गया, जो एक्सपांशन बेस्ड लिमिट होता है उनके ऊपर, जहां पे लॉपिटल भी अपना फेल हो रहा है ना। अपन इस सवाल को भी लॉपिटल से कर सकते हैं, एक्सपांशन से कर सकते हैं, बट अपन लॉपिटल प्रेफर करेंगे, दोनों चीज मैं आपको बता दूंगा। बट ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां पे लॉपिटल फेल नहीं होता है, लॉपिटल उसको आंसर देगा बट इतना गंदा कर देगा क्वेश्चन को, मतलब 90% क्वेश्चन को तो लॉपिटल छोटा कर देता है बट 10% क्वेश्चन को इतना बड़ा भी कर देता है जहां पे हमें दूसरा कुछ सोचने में मजबूर होना पड़ता है, ठीक बात है। तो उस चीज को प्रॉपरली अपना दिमाग के अंदर चलाइएगा, ठीक है। तो मेरे को तो एक्सपांशन याद रखने का कोई सवाल होता ही नहीं है, वो तो आपका काम ही याद रखना, मैं शीट से चोरी करके देख रहा हूँ, बोला मत मानिएगा, ठीक है। चलो तो 10x का साइन x कॉस x तो थोड़ा बहुत याद रह जाता है, 10x 10 inverse x तो रहेगा ही नहीं। 10x का क्या होता है एक्सपांशन? लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 10x इन x प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस 2 अपॉन 15 इंटू x टू दी पावर 5 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी, सही बात है, इंटू 10 inverse, 10 inverse क्या है भाई? x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 बाई 5 माइनस डॉट डॉट इंफिनिटी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 6। देख अभी कैसे सोचेंगे, जरा ध्यान से मेरे बात को ध्यान से समझना, ध्यान से, ठीक बात है। देखो क्या होना है एग्जैक्टली, ध्यान से देखो, ये दोनों बड़े बड़े टर्म को प्रोडक्ट करने के बाद कहानी जो बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा। मैं एक तो देखो, ये एक्स और ये एक्स प्रोडक्ट होके एक्स स्क्वायर बनेगा जो इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर के बाद कौन सा सिंपलेस्ट टर्म आने वाला है वो ध्यान से देखो, एक्स इंटू एक्स क्यूब एक्स टू दी पावर 4 बाई 3 माइनस में आएगा, बराबर लिखो,
एक्स इंटू एक्स टू दी पावर फाइव, बोलो क्या आएगा, एक्स टू दी पावर सेवन, सॉरी सिक्स बाई फाइव, सही है, एक्स इंटू एक्स टू दी पावर सेवन आएगा ना अगला टर्म, तो ये कितना हो जाएगा एक्स टू दी पावर एट, बट एक्स टू दी पावर एट ऑनवर्ड्स में कोई टर्म को लिखूंगा ही नहीं, बिल्कुल ये मेरा जरूरत का चीज है ही नहीं। बोले तो क्यों सर, क्यों की सोचना, जब एक्स टू दी पावर एट वाला टर्म ऊपर बचा रहेगा जब, और उसके बाद कभी ना कभी जाकर के वो तो एक्स टू दी पावर सिक्स से डिवाइड होगा ना, तो अल्टीमेटली कैंसिल होने के बाद तो न्यूमरेटर में एक्स बचा रहेगा, अगर न्यूमरेटर में एक्स बचा रहता है तो क्या होगा कहानी, जरा ध्यान से सोचो ना क्या होगा, ऑब्वियसली एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो वो लिमिट जीरो हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, तो इसीलिए इसको लिखना ना लिखना बराबर है, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स मिलेगा जो एक्स टू दी पावर सिक्स से ज्यादा डिग्री का होगा न्यूमरेटर में, उन सारे हायर डिग्री टर्म को आप रिमूव कर सकते हो, बिकॉज आप जानते हो कि वो जब x टू दी पावर 6 से डिवाइड होगा उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू जीरो दे रहा है एज x इज टर्निंग टू जीरो, समझ आ रहा है मेरे बात, चलिए तो आगे देखते हैं, अभी x क्यूब बाई x से जब x को प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा x टू दी पावर 4 बाई 3, x क्यूब बाई 3 से इसको जब प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा माइनस x टू दी पावर 6 बाई 9, फिर x क्यूब बाई 3 से इसको डालेंगे तो x टू दी पावर 8 हो गया, क्या लिखने का जरूरत है, नहीं, फिर इसके बाद x टू दी पावर 7 वो सब तो लिखने का जरूरत ही नहीं है, वो x टू दी पावर 10 x टू दी पावर 12 वैसे जाएगा, जो x टू दी पावर 6 से डिवाइड होने के बाद न्यूमरेटर में x वाला टर्म बचेगा, x टेंडिंग टू 0 है तो लिमिट 0, खत्म बात, समझ आ रहा है, क्लियर है, अभी थर्ड वाले टर्म से देख लो, इससे जब इसको मारोगे तो कितना आएगा 2 बाई 15 x टू दी पावर 6, इससे जब इसको सेकंड वाले टर्म को ही करोगे तब भी तो काम बेकार है ना, क्योंकि सेकंड वाले टर्म को करने से x टू दी पावर 8 आ जाएगा, बेकार है, फिर इसके बाद x टू दी पावर 7 पे अगर गया तो x टू दी पावर 7 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करना बेकार है, क्योंकि मिनिमम जो डिग्री आएगा वही तो x टू दी पावर 7 इंटू एक्स x टू दी पावर 8 आएगा, जो कि हमारा काम का नहीं है, और x टू दी पावर 7 अगर कोई काम का नहीं है तो उसके बाद का कोई भी टर्म किसी काम का नहीं है, वो सारे के सारे मैं किधर घुसा रहा हूं, इस डॉटेड में घुसा रहा हूं, किधर घुसा रहा हूं, इस डॉटेड में बाकी सारे टर्म है, हमारे मतलब के टर्म्स बस इतना सा है, समझ आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, प्रॉपर लॉजिक के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है x टू दी पावर 6, बोले तो ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर अपन ने उड़ा दी सर, ये x टू दी पावर 4 बाय 3 x टू दी पावर 4 बाय 3 भी गया, ठीक है, और यहां पे आप देखो कि ये सारे टर्म्स को जब मैं x टू दी पावर 6 से डिवाइड करूंगा तो उस हिस्से का लिमिट जीरो जीरो, और इधर x टू दी पावर 6 कॉमन आकर के इसके साथ कैंसिल होकर के आंसर कितना दे देगा 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 9 प्लस 2 बाई 15, और इधर का तो पूरा पूरा जीरो, खत्म काम, समझ में आ रहा है ना, तो ये कितना हो गया 3 और 2 5, ये हो गया 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 9, समझ में आ रहा है ना, तो ये कितना हो गया आपका 2 अपॉन 9 इज द फाइनल आंसर, समझ आ रहा है, देखो एक्सपांशन में तीन लाइन के अंदर ही अंदर आपको अपना आंसर मिल गया, बट सोचो जरा अगर आप लॉग पिटेल यहां पे लगाते तो क्या भयानक सा सिचुएशन आपके सामने आता, समझ में आ रहा है, क्लियर है, तो उस प्रकार के एप्टीट्यूड अपना माइंड को उस प्रकार से ट्रेन करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, सिर्फ लॉग पिटेल रूल सीख गया तो लिमिट हो गया ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम जितना एडवांस्ड है, हम जितना सोचते हैं, है ना, हम जितना जितना भी चीज आपको सोच के पढ़ा के देते हैं, ठीक है, उससे 1% भी आगे आईडी रहता है हमेशा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, कि हम अगर यहाँ पे है तो वो यहाँ पे रहेगा, उनको पता है कि अपन क्या पढ़ाते हैं और बच्चे क्या पढ़ते हैं, ठीक है, बट फिर भी कभी कभी हार मान जाते, समझ में आ रहा है ना, बट वो अलग बात है, तो वो आपको डायरेक्टली लल्लू सा लॉपिटल कभी खिलाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जानते कि दुनिया में ये लॉपिटल का चलन है, जबकि ये सिलेबस में नहीं है बट फिर भी आईडी का सिलेबस में इंक्लूडेड है, लॉपिटल न्यूटन लर्निंग ये सब एनसीईआरटी सिलेबस में तो नहीं है बट आईडी का सिलेबस में लिखा हुआ, ठीक है, तो आपको उस प्रकार से सोचना पड़ेगा, बेसिकली मेरा पॉइंट जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ नहीं है, मेरा पॉइंट है कि उस चीज को देख करके समझो, फील करो कि कब हम लॉपिटल ना लगाए, ठीक है, कुछ भी आ जाए तो लॉपिटल धराधर करते क्या बोले तो सर आंसर नहीं आए, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, कुछ क्वेश्चन जरूर एग्जिस्ट करते, ठीक है, जहां पे लॉपिटल आप ना लगाओ तो बच जाओ, लॉपिटल हार मान जाएगा ये गलत बात है, लॉपिटल निकालेगा आंसर बट बहुत लंबा कर देगा, ठीक है, चलो आगे देखते भाई अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से अगर आप समझते हो, ठीक है, अच्छा इससे पहले ना मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं कुछ कुछ चीजों में, ठीक है, वो चीजें क्या है, मैंने आपको उस दिन बोला था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन वन अपॉन एक्स या फिर कॉस वन अपॉन एक्स, ये सब क्या होता है, ऑसिलेटिंग लिमिट होता है, डज नॉट एग्जिस्ट होते,
ठीक है चलो। अगर मैं बात करूं इस प्रकार के लिमिट का x टेंडिंग टू जीरो x इंटू साइन वन अपॉन एक्स, ठीक है, तो इस लिमिट का आंसर क्या होगा जरा बताओ जरा, ठीक है, कैसे सोचता है मैं आपको बताता हूं। जीरो जीरो पे डालेंगे, फॉर्म चेक करो तो ये क्या है, जीरो इंटू इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है एनी फाइनाइट वैल्यू इन माइनस वन टू वन, इतना तो पता है ना आपको, साइन इंफिनिटी मतलब माइनस वन से वन के अंदर ही कोई आंसर देगा, समझ में आ रहा है, और इसीलिए अपन ने उसको डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं। बट अगर उसके साथ जीरो, ये जीरो एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोचिंग जीरो है, अगर अप्रोचिंग जीरो इनटू एनी फाइनाइट वैल्यू इन बिटवीन माइनस वन टू वन आया, तब तो ये आंसर जो है वो कहीं ना कहीं अप्रोचिंग जीरो ही तो आएगा ना भाई, ये जो चीज है ये तो कहीं ना कहीं अप्रोचिंग जीरो ही आएगा, और अप्रोचिंग जीरो का लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, जीरो, मतलब ये लिमिट तो डज नॉट एग्जिस्ट है बट इसका आंसर जीरो, समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है, इस प्रकार से चीजों को आपको क्लैरिफाई करना है, ठीक है, याद रखना फेमस लिमिट है, आईटी पूछ रखा है, उसके बाद बोर्ड्स में ये बोर्ड्स की किताबों में ये फेमस हो गया, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको ये लिमिट, कंटिन्यू में मिलेगा ये सवाल, डिफरेंशिएबिलिटी में मिलेगा ये लिमिट, ऑसिलेटिंग लिमिट है, डज नॉट एग्जिस्ट है, बट ये लिमिट क्या हो जाता है, जीरो देता आंसर, रीजन क्या है बता दी मैंने, ठीक है चलो एक और चीज सिखाते ये नोट करके रखना भाई, ठीक है, सारी चीज सीट में नहीं मिल सकता, ठीक है ना, नहीं तो पढ़ाना बेकार हो जाएगा ना भाई, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी a टू दी पावर x, इसका वैल्यू बता, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी a टू दी पावर x, इसका आंसर बोलो क्या होगा, इसका आंसर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी a टू दी पावर x, आप बोलोगे सर a टू दी पावर इंफिनिटी, यहां पे तो कहानी कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है सर, पूरा गड़बड़ लग रहा है कहानी, ठीक है, तो हाँ बिल्कुल कहानी यहाँ पे गड़बड़ है, बिकॉज इसका जो आंसर है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएगा किसके ऊपर, किसके ऊपर, a के ऊपर, अगर आपका a जो है वो अगर ग्रेटर देन वन है, जैसे मान लो टू टू दी पावर इंफिनिटी किसको टेन करेगा, इंफिनिटी को ही टेन करेगा ना भाई, समझ में आ रहा है ना, क्लियर बात, चलो अगर a का वैल्यू लेस देन वन है, दैट इज हाफ, हाफ टू दी पावर इंफिनिटी, ये किसको टेन करेगा, हाफ टू दी पावर इंफिनिटी इज वन टू दी पावर इंफिनिटी बाई टू टू दी पावर इंफिनिटी, वन टू दी पावर इंफिनिटी इज वन एंड टू टू दी पावर इंफिनिटी इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो वन अपॉन इंफिनिटी विल टेंड टू जीरो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझ में आ रहा है, और अगर a का वैल्यू क्या हो जाता है, वन हो जाता है, तो ये क्या होगा, वन टू दी पावर एग्जैक्ट वन टू दी पावर इंफिनिटी, a इज इक्वल टू वन, नॉट अप्रोचिंग टू वन, एग्जैक्ट वन टू दी पावर इंफिनिटी विल बी वन, समझ में आ रहा है, तो ये दोनों कंसेप्ट आप अपने अंदर बूस्ट करके रखो, उसका हेल्प से मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बात, चलो आगे देखते हैं, ये लिख करके रखना कॉपी में भाई, ठीक है चलो, ध्यान देखो आगे अगला क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी ए टू दी पावर एक्स साइन बी बाई ए टू दी पावर एक्स, लिमिट x tending to infinity a to the power x into sine b upon a to the power x, सही बात है, sine b upon a to the power x, ठीक बात है, चलो ध्यान से, ठीक है चलो, जैसे कि अपन क्या करें यहां पे, समझना बात को अगर मैं इंफिनिटी बोल रहा हूं, ठीक है, तो a to the power x क्या होगा वही तो मैं नहीं जानता, जब तक मुझे a का वैल्यू पता नहीं चलेगा तब तक तो मैं वही क्लियर नहीं कर पाऊंगा ना कि a टू दी पावर इंफिनिटी क्या है, समझ आ रहा है, तो आप ये समझ रहे हो कि इस लिमिट का आंसर भी a के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, हमें अलग अलग केस में अलग अलग आंसर देना पड़ेगा, ठीक बात है, चलो तो वही चीज अपन कर रहे हैं यहां पे, अगर अपना a का वैल्यू 1 से बड़ा है, अगर अपना a का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो चलो ऐसे ना करके केसेस बना लेते हैं, केस 1 मान लेते हैं, है ना, केस वन मान लेते हैं कि a का वैल्यू 1 से बड़ा, a का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो ये a टू दी पावर x जो है वो टेंड करेगा इंफिनिटी को, वेयर x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, समझ में आ रहा है, और ये अगर b को आपको फाइनाइट मानना है, b को आपको यहां पे क्या मानना है, फाइनाइट मानना है, समझ में आ रहा है ना, अगर a टू दी पावर x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो b अपॉन a टू दी पावर x किसको टेंड करेगा, आप सोचो ना, एंड बी अपॉन ए टू दी पावर एक्स विल टेंड टू क्या होगा, जीरो होगा, समझ में आ रहा है, और साइन जीरो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, मतलब इस केस में ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, ये बन गया आपका जीरो इंटू इंफिनिटी का इनडिटर्मिनेंसी बन गया,
समझ में आ रहा है क्या बन गया ये जीरो इंटू इंफिनिटी का इनडिटर्मिनेंसी बन गया। अभी इस केस में अपन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, किसी भी एक को नीचे लेके आ जाना है। अभी यहां पे किसको नीचे लेके आएंगे तो बेहतर होगा, ऑब्वियसली ए टू दी पावर एक्स को नीचे लेकर के आ जाओ तो बेहतर होगा। जज करते हैं ना हम किसको नीचे लेके आएंगे तो डिफरेंशिएशन आसान होगा, बोला था ना लास्ट लेक्चर में। बट यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन करना नहीं है, बेसिकली यहाँ पे दूसरे किसी लॉजिक से मैं ए टू दी पावर एक्स को नीचे लेके आ रहा हूँ। वो लॉजिक क्या है देखो, फॉर्मेट बन जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे फॉर्मेट बनेगा सर? बोले तो यहाँ पे 1 बाय ए टू दी पावर एक्स है, यहाँ पे एक बी मल्टीप्लाई कर दे और ऊपर भी एक बी मल्टीप्लाई कर दे। समझ में आ रहा है? तो ये साइन थीटा बाई थीटा वाला फॉर्मेट बनने के लिए तैयार हो गया दोस्त। देख अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो b बाई ए टू दी पावर x टेंड टू जीरो है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना b बाई ए टू दी पावर x विल टेंड टू जीरो, और ये b जो कांस्टेंट है ये बाहर आ गया और ये अंदर क्या हो गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा हो गया, वेयर थीटा इज टेंडिंग टू जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा b इंटू वन विच इज b। मतलब इतना समझ में आ गया, इस लिमिट का आंसर a ग्रेटर देन वन जब होगा तभी आंसर इसका आएगा b। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? चलो अभी अगले केस की ओर बढ़ते हैं। अगला केस आपका क्या है? केस नंबर टू। केस नंबर टू पे अपन ये मान रहे हैं कि a का वैल्यू सर लेस देन वन। अगर a का वैल्यू लेस देन वन होता है तो a टू दी पावर x विल टेंड टू जीरो, वेयर x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? क्लियर है? a टू दी पावर x किसको टेंड करेगा? जीरो को। और b बाई ए टू दी पावर x अब की बार किसको टेंड करेगा? इंफिनिटी को, बिकॉज फाइनाइट अपॉन जीरो तो इंफिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, तो ये जो लिमिट का पहचान बना ये क्या बन गया, जरा ध्यान से देखिए तो जरा एक बार, a टू दी पावर x इंटू साइन बी अपॉन ए टू दी पावर x, जरा ध्यान से समझिएगा। ये क्या है? ये क्या है? ये जीरो है। और ये क्या है? ये एनी फाइनाइट वैल्यू, ये एनी फाइनाइट वैल्यू इन माइनस वन टू वन है, ये एनी फाइनाइट वैल्यू इन माइनस वन टू वन है। तो जीरो इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू इन माइनस वन टू वन, अभी मैंने आपको सिखाया क्या होता है इसका आंसर जीरो, बिकॉज ये अप्रोचिंग जीरो इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू मल्टीप्लाई करके अप्रोचिंग जीरो ही आएगा, जिसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। तो ए जब ग्रेटर देन वन हुआ तो इसका आंसर क्या मिल गया? जीरो मिल गया। समझ में आ रहा है? अभी लास्ट केस क्या है आपका? केस नंबर थ्री। केस नंबर थ्री पे क्या मानोगे? ए का वैल्यू वन मानोगे, एग्जैक्ट वन, तो वन टू दी पावर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। और b बाई ए टू दी पावर x का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि लिमिट का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? b बाई ए टू दी पावर x, इस लिमिट का आंसर हो जाएगा आपका वन इंटू साइन बी, दैट इज साइन b हो जाएगा इसका आंसर। ठीक बात है, क्लियर है? तो इसका जो आंसर है, अगर मैं इसको प्रॉपरली रिडिफाइन करने का प्रयास करूं तो आंसर दूंगा मैं बी इफ ए इज ग्रेटर देन वन, है ना, आंसर दूंगा मैं जीरो इफ ए इज लेस देन वन, और आंसर दूंगा मैं साइन ऑफ बी इफ आपका क्या बोलते हैं इसको ए इज इक्वल टू वन। इस प्रकार से हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जहां पे बी एक फाइनाइट वैल्यू है ना भाई, समझ में आया ना, एक अलग प्रकार की क्वेश्चन मिला, मजा आया करके ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये भी हमारा इसके साथ साथ बन गया। चलो ठीक है, प्रॉपरली नोट कर लीजिए, अपन इरेज कर दें। अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ वन प्लस वन अपॉन एक्स। फॉर्मेट चेक करो जरा क्या होता है। आप बोलोगे सर फॉर्मेट चेक करके तो हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है, इंफिनिटी माइनस जीरो इंटू इंफिनिटी मिल रहा है सर, इंफिनिटी माइनस जीरो इंटू इंफिनिटी मिल रहा है। तो इंफिनिटी माइनस जीरो इंटू इंफिनिटी ये क्या फॉर्मेट होता है सर, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप ही बताओ, आप भी बताओ, हम लोग तो नहीं करेंगे, हम लोग तो बैठे बैठे सिर्फ देखना है हमें, आप ही बताओ। तो ये इन्फिनिटी माइनस जीरो इंटू इन्फिनिटी लिख रहा है, ये क्या फॉर्मेट हो गया? मतलब एक फॉर्मेट के अंदर एक और इंडिटर्मिनेंसी घुस के बैठा है। मैं बोलूंगा हाँ, तो क्या अंदर वाले को पहले सॉल्व करना पड़ेगा? मैं बोलूंगा जरूरी नहीं है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो जीरो इंटू इन्फिनिटी में। बोले कैसे सर? देख जरा एक्स को कॉमन ले ले, तो ये वन माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स बन गया ना। ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है ना? तो ये वाला चीज क्या बन गया? जीरो इंटू इंफिनिटी वाला फॉर्मेट बन गया, बना ही नहीं बना, बराबर बना ही। ठीक है, तो जीरो इंटू इंफिनिटी वाला फॉर्मेट अगर बन गया तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। सही बात है ना, इसका लिमिटिंग वैल्यू चेक करना पड़ेगा ना, इसका वैल्यू जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक फायदा कैसे होगा? देखो, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूं, क्योंकि ये अपने आप में एक इंडिटर्मिनेंसी दिखा रहा है ना, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू आप चेक करके दिखाना। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x इंटू लॉग ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? x इंटू लॉग ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स,
तो ये किस फॉर्मेट में जा रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये लॉग ऑफ 1 + 1/x डिवाइडेड बाई 1/x कर देता हूं, ठीक है। और फिर मैंने 1/x को y मान लिया तो y टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, बिकॉज x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, मैंने y इक्वल टू 1/x सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ऊपर हो जाएगा आपका log ऑफ 1 + y डिवाइडेड बाई y, समझ आ रहा है। तो ये फॉर्मेट का आंसर क्या होता है, 1 होता है, याद है। तो अगर ये 1 है मतलब इस चीज का लिमिटिंग वैल्यू 1 हो रहा है जब x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो 1 - 1 क्या हो रहा है, 0 बन रहा है ये, और ये फॉर्मेट क्या है, इंफिनिटी है, मतलब ये ओरिजिनली एक 0 into इंफिनिटी का फॉर्मेट है। इस प्रकार के लिमिट्स को बोलते हैं इनबिल्ट लिमिट, एक लिमिट के अंदर दूसरे लिमिट घुसे हुए हैं, समझ में आ रहा है ना, इनडिटर्मिनेंसी के अंदर बैठा हुआ ये चीज, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इस चीज को अलग से डील किया पहले, इसका वैल्यू पता किया, तो अल्टीमेटली हमें पता चला कि ये जो है ये 0 into इंफिनिटी लाइन का एक इनडिटर्मिनेंसी प्रेजेंट है। तो अगर 0 into इंफिनिटी नाम का इनडिटर्मिनेंसी प्रेजेंट है तो आप क्या करते हो, हमेशा किसी भी एक को नीचे लेके जाते हो। अभी इतना बड़ा चीज को तो रेसिप्रोकल करके नीचे लेके नहीं जाओगे ना, डिफरेंशिएशन करना बहुत टफ हो जाएगा। ऑब्वियसली आप किसको लेकर के जाओगे, आप x को 1/x करके नीचे लेके जाओगे। अभी बोलो तो ये कौन सा फॉर्मेट है, इंफिनिटी डालो तो ये डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, और इन्फिनिटी अगर यहाँ पे डालेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये 1 हो रहा है, तो 1 - 1 ये भी कौन सा फॉर्मेट हो रहा है, 0/0 फॉर्मेट हो रहा है। तो क्या अभी लॉपिटल लगा सकते हैं, बिल्कुल अभी लॉपिटल लगा सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/x2। बोले तो कैसे आया सर, ये देख एक्स टू दी पावर सर, उसका डिफरेंशिएशन होता है सर सर इंटू एक्स टू दी पावर सॉरी x टू दी पावर -1 है, मतलब सर टू दी पावर -1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा -1 × sir to the power -1 - 1 n -1 होता है ना, तो -1 - 1 हो गया, into derivative of sir कितना होगा, x का derivative 1, तो ये कितना आ गया -1/x2 आ गया, वही लिखा, ठीक है। इधर अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस तो रह जाएगा, और यहां पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। तो x को पहले आप रख दोगे यहाँ पे x into derivative of log of this, ये कितना हो जाएगा इसका derivative, अच्छा इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते 1 + x/x लिख देते इसको, ठीक है। अभी derivative of this, log of sir का derivative क्या होता है, 1/sir, ठीक है, तो ये reciprocal में आ जाएगा, into derivative of this, समझ में आ रहा है, क्लियर है, चलो माइनस log ऑफ 1 + x/x को रख दिया, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो गया, 1 हो गया, प्रोडक्ट रूल, समझ में आ रहा है ना। पहले x को रख दिया, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इसको रख दिया और x को डिफरेंशिएट किया, बट यहां पे तो काम बाकी है, अभी भी लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ये -x2/1 + x है, ठीक बात है, और यहां पे क्या रखना है, 1 + x/x का डिफरेंशिएशन करोगे तो डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर कितना, 1, माइनस 1 + x into derivative of denominator कितना, 1, समझ में आ रहा है। तो यहां से x और x कैंसिल हो गया, ठीक बात है, माइनस log ऑफ 1 + x/x हो गया, डिवाइडेड बाई कितना आ गया, -1/x2 आ गया, सही बात है, क्लियर है भाई। चलो तो यहां से देखो, यहां से अल्टीमेटली सॉल्व होकर के क्या आ रहा है चीजें, इधर मैं इरेज कर देता हूं, यहां पे देख सकते हो क्या आ रहा है सॉल्व होकर के, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, ये x square भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो -1 + 1 + x हो जाएगा, -log(1 + x/x) और इधर रह गया आपका -1 / x square, ठीक है, समझ में आया। चलो अभी अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कौन सा फॉर्मेट आ रहा है, ये तो आ रहा है आपका log(1, 0, ये तो अभी भी 0/0 फॉर्मेट है, अरे भाई तो मुश्किल पैदा हो गए, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, तो 0/0 फॉर्मेट है तो क्या करें, अभी इस लिमिट के बारे में सोचते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन आगे बीच में, इस लिमिट के बारे में सोचते हैं, तो इस लिमिट को ये तो अगर मैं तरीके से लिखूं तो 1 + 1/x है, ठीक है, आप जानते हो इसके नीचे अगर मैं 1/x किसी ना किसी तरीके से लगा देता हूं, और साइड में भी एक 1/x लगा देता हूं, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर 1 हो जाएगा,
ठीक है। तो इस पूरा चीज को हटा करके मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, 1/x हो जाएगा, क्योंकि 1 × 1/x 1/x ही होगा। अभी कुछ आसान सा चीज दिख रहा है, अभी इसको सिंप्लीफाई करने के बारे में सोचते चलिए। अच्छा अभी तो ये 0 − 0 0/0 फॉर्मेट दिख रहा है, चलो एलसीएम वगैरह कर देते हैं तो कुछ आसानी सा होगा शायद। तो इधर x − 1 − x हो गया और इधर −1/x² हो गया, तो ये x x कैंसिल हो गया, तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी ये हो गया −1/x × 1+x, समझ आ रहा है, और इधर हो गया −1x², सही है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और x से x² कैंसिल होकर के x बच गया ऊपर, तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x डिवाइडेड बाय 1+x, और ये तो अभी पता ही आपको इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्मेट है, तो डिफरेंशिएट मार दो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो किस प्रकार से यहाँ पे खेल खेला है अपन ने वो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस जब ज्यादा होगा तभी जाकर के इस प्रकार की चीजें आपको दिखना शुरू होगा, समझ आ रहा है ना। हकीकत में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अच्छा है, बीच में घुस गया कहां से मैंने डाल दी ये समझ नहीं आया, बट आपके लेवल से काफी ऊपर है, ठीक है। तो आप करिए इस प्रकार के क्वेश्चन, है ना, अच्छा लगता है। तो समझ गए होंगे, पहले तो एक गड़बड़ था, बच्चे पहले कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे इंडिटरमिनेंसी नहीं मिल रहा है उनको, जबकि इंडिटरमिनेंसी छुपा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पहले इसको चेक किया तब जाकर के इंडिटरमिनेंसी पता चला, इंडिटरमिनेंसी पता करने के लिए भी एक लिमिट को सॉल्व करना पड़ा हमें, सबसे पहला चैलेंज तो ये था। फिर अगला चैलेंज तो लॉपिटल थोड़ा सा डिफिकल्ट था यहाँ पे डिफरेंशिएशन, उसके बाद डिफरेंशिएशन जब करके आ गया तो उसके बाद जाकर के अपन ने जब इसको अरेंज किया रीअरेंज किया तो उसके बाद अपन ने क्या किया कैंसिल, इस जगह पे जाकर के लॉग वाला टर्म हमारे को दिक्कत दे रहा था, कुछ पता नहीं लग रहा था कि वापस लॉपिटल लगा है। कुछ कुछ बच्चे तो 0/0 देख के वापस यहाँ पे लॉपिटल लगाने के बारे में चाहेंगे, ठीक है, बट वापस लॉपिटल लगाओगे तो बहुत गंदा हो जाएगा क्वेश्चन, पहले बता रहा हूँ। तो इस प्रकार के जुगाड़ लगाना आना चाहिए आपको, ठीक है, अगर ये सब नहीं आता है तो सवाल नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें सीखना पड़ेगा, वो कब सीखोगे, जब वो बेसिक फॉर्मूले आपके तैयार होंगे, log of 1 + fx / fx tending to 0 1 होता है, ये दिमाग में क्लिक होगा तभी तो ये चीज दिखेगा आपको, नहीं आ रहा है ना। लिमिट के अंदर sin x कभी भी लिखा है और लिमिट के नीचे x tending to 0 लिखा है तो sin x को x लिख दे, कोई परेशानी नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली वही तो करते हैं ना, उसी sin x को x से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके sin x / x को 1 लिखते हैं और उधर 1 × x को x लिखते हैं, सीधा सीधा sin थीटा, फिजिक्स में अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करते थे डेरिवेशन में, ठीक है। तो थीटा जब बहुत स्मॉल हो जाता है sin थीटा को थीटा मान लेते हैं, वही चीज है, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, है ना, और अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखो अगला क्वेश्चन 17, ठीक बात है, देखना जरा ध्यान से। लिमिट m टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 to the power n plus 1 + 3 to the power n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 to the power n plus 3 to the power n, सही बात है, क्लियर। चल तो यहां पे आप सर आपने तो बोले थे ये फॉर्मेट पहले चेक करो, फॉर्मेट क्या है, 2 to the power infinity, infinity plus infinity, infinity by infinity फॉर्मेट है। अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट हो तो क्या सर लॉपिटल को अप्लाई कर ले, क्या लॉपिटल अप्लाई कर ले, बट लॉपिटल अप्लाई करके कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पे, आप देख लीजिएगा अप्लाई करके, ठीक है, बिकॉज 2 to the power समथिंग का डिफरेंशिएशन उसी फॉर्मेट में रह जाएगा, आपको मैंने बोला था ना एक्सपोनेंशियल्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उसी फॉर्मेट में रह जाता है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो फायदा नहीं होगा यहाँ पे, पैसे के लिए कॉन्स्टेंट मिलेगा और चीजें जो है वो वही बना रहेगा। इससे अच्छा अगर आप मेरा दूसरा ट्रिक जो है वो अगर आप अच्छे से सुने हो तो आपका यहाँ पे काम बन जाएगा, बोले तो वो क्या सर x tending to infinity और numerator denominator जब दोनों present होता है तो मैं हमेशा ये suggest करता हूँ कि पहला ही try किससे मारो, आप लॉपिटल से भी पहले ये सोचो कि highest power से divide ना कर दे सर, highest power से divide करेंगे तो काम निपट जाएगा ऐसे, बोले तो यहाँ पे highest power कैसे सोचेंगे, 2 और 3 दोनों में से highest power तो 3 का ही होगा, obvious है, base जिसका ज्यादा होगा वही तो होगा ना, और 3 पे भी कंफ्यूजन है 3 power n होगा या 3 power n plus 1 होगा, अरे भाई 3 power n plus 1 ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो पूरा चारों में हाईएस्ट पावर जो है वो क्या क्या डिसाइड कर ली हमने 3 to the power n plus 1, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 to the power n plus 1, तो कहानी जो है वो कुछ इस प्रकार से शायद बनेगा मुझे जहां तक लग रहा है, अगर आपको भी लगता है तो आप मेरे साथ एग्री कीजिएगा, ठीक है, शायद कहानी इस प्रकार से बनेगा, ठीक बात है। चलो अभी जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से चीजों को देखेगा, n जब इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ये टर्म किसको टेंड करेगा, बोले a टू दी पावर n
ये a क्या है, 1 से छोटा है ना, 1 से छोटे वाले के पावर में जब इंफिनिटी हो जाता है तो आंसर किसको टेंड करता है भाई, 0। थोड़ी देर पहले ही तो लिख के दिया था, लिमिट a टू द पावर n n टेंडिंग टू इंफिनिटी विल बी 0 इफ a इज लेस देन 1। तो इसका आंसर किसको टेंड करेगा, ये 0 को टेंड करेगा, ये भी किसको टेंड करेगा, 0 को, बोले तो काम खत्म, 1/1/3 आंसर विल बी 3। समझ आ रहा है, क्लियर है? तो वही इंफिनिटी बाय इंफिनिटी डिवाइड मारने वाला क्वेश्चन था, बट चेहरा इस प्रकार से मैंने चेंज कर दी इसका कि आपका हालत खराब हो जाए देख के सब, ठीक है? तो इसी प्रकार से ये सब चीजों को आप ध्यान से संभाल के कीजिएगा, ठीक है? बट अगर प्रॉपरली सोचते तो एकदम लड्डू सवाल है, ठीक है, हो गया, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते चलिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/sin x - 1/tan x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/sin x - 1/tan x, सही बात है, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/sin x क्या होगा, बेटर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, ये साइन बाई कॉस हो जाएगा ना, नीचे आ जाएगा साइन और ऊपर आ जाएगा 1 - cos x। अभी समझते ही हो क्या करना है, एकदम लल्लू सा लिमिट था, ठीक है? बेसिकली ये फॉर्मेट क्या था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट था, सॉल्व कैसे होगा, ऑब्वियसली एलसीएम लेके होगा, तो इसीलिए साइन कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम ले लिया, तो ये बन गया कौन सा फॉर्मेट, 0/0 फॉर्मेट। अभी क्या करो, लॉपिटल लगाना चाहते हो लगाओ, अगर दूसरा कुछ करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? अगर 1 - cos x को 2 sin² x / 2 में कन्वर्ट करना चाहते हो वो भी करो, या तो लॉपिटल से और जल्दी हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करो, -cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin x और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। अभी 0 पुट करो, ऊपर 0 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1, कोई इंडिटरमिनेंसी है नहीं है, मतलब यही क्या हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। ठीक बात है, क्लियर है? ऐसे ऐसे सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन, ठीक है? अच्छे क्वेश्चन को रिस्पेक्ट जरूर करेंगे, बट गंदे क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर देंगे, ठीक है? क्लियर हो गया भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो, और वो जे का फेवरेट पैटर्न है, समझ में आ रहा है ना, एडवांस ही पूछ रखा है, मेन से पूछ रखा है इस पैटर्न को, अगर आप इस पैटर्न को समझते नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा आपको, कंटिन्यूटी में एनसीईआरटी लेवल में भी दिक्कत आएगा अगर इस क्वेश्चन को आप समझते नहीं है। पहले मैं बता रहा हूं इसका वेटेज काफी ज्यादा है, कंटिन्यूटी में भी मैं सेम क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है? वो तो एक्सरसाइज 1 में मिलेगा आपको कंटिन्यूटी में, ठीक है? तो जरा ध्यान से देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सीखना पड़ेगा इस प्रकार के क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin 2x + a sin x, सही बात है, sin 2x + a sin x डिवाइडेड बाय ट्वाइस एक्स स्क्वायर, बी फाइनाइट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट, ठीक है? बोल के दिया है कि इसका आंसर फाइनाइट है तो a का वैल्यू निकालो। सबसे पहले लॉपिटल से अप्रोच करता हूं, फिर मैं दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगा, ठीक है? x का वैल्यू 0 डालो, कौन सा फॉर्मेट बन रहा है ये, 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है ना भाई, ऑब्वियसली बन रहा है। अगर ये 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, sin 2x को अपन चेंज करके क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन मारो ना, तो ये क्या होगा, cos 2x (derivative of sir) कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दैट इज ये आएगा 2 cos 2x, समझ आ रहा है? प्लस a sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x और डिवाइडेड बाय कितना रहेगा, 6x। अभी x का वैल्यू 0 पुट करो, न्यूमरेटर कितना आ रहा है, a + 2 cos 0 cos 0 और डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 0। तो बोल क्या, ये अच्छा चीज है या गंदा चीज है, a + 2, a फाइनाइट है सबको पता है, लिमिट का आंसर भी फाइनाइट है क्वेश्चन में दिया हुआ, ये अगर निकालना तो फाइनाइट ही होगा ना, ये अगर फाइनाइट है और डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो सोच रहे हो ये आंसर किसको टेंड करेगा, ये आंसर इंफिनिटी को टेंड करेगा, ये आंसर किसको टेंड करेगा, इंफिनिटी को टेंड करेगा, बट क्वेश्चन में बोल के दिया कि लिमिट का आंसर क्या होगा, फाइनाइट होगा, क्वेश्चन में बोल के दिया लिमिट का आंसर क्या होगा, फाइनाइट होगा। अगर लिमिट का आंसर फाइनाइट होता है तो इसको वापस लॉपिटल के फॉर्मेट में रहना होगा ताकि हम लॉपिटल रूल फर्दर अप्लाई करके लिमिट का फाइनाइट आंसर निकाल सके, क्योंकि अगर न्यूमरेटर अभी भी 0 नहीं हुआ तो ये 0/0 फॉर्मेट नहीं बनेगा, अगर ये 0/0 फॉर्मेट नहीं बनेगा तो यहां से ही आंसर आ जाएगा, लिमिट का आंसर इनफाइनाइट, बट क्वेश्चन में बोल के दिया कि लिमिट इज फाइनाइट, तो हम लिखेंगे क्या कि फॉर लिमिट टू बी फाइनाइट a + 2 मस्ट बी इक्वल टू क्या, 0, a + 2 को क्या होना पड़ेगा, 0, यहां से आपको a का वैल्यू क्या मिल गया, -2 मिल गया, ठीक है? तो अभी अगर आप लिमिट का वैल्यू निकालना चाहते हो तो निकाल दो,
देयरफॉर वैल्यू ऑफ लिमिट क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ लिमिट क्या हो जाएगा दोस्त, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टू कॉस टू एक्स है ना माइनस टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई सिक्स एक्स हो जाएगा। सही बात है, क्लियर है? तो अभी जरा क्या करते, डिफरेंशिएशन मारते भाई, क्योंकि ये जीरो बाई जीरो फॉर्मेट बन गया ना, तो डिफरेंशिएशन मार दो खत्म। तो ये कितना हो जाएगा माइनस फोर साइन टू एक्स और ये प्लस टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई सिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू जीरो जैसे ही पुट करेंगे तो ये कितना आएगा जीरो बाई सिक्स, जो कि कोई इंडिटरमिनेंसी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा जीरो। तो लिमिट का आंसर फाइनाइट आया या नहीं आया, बिल्कुल आया, और वो फाइनाइट वैल्यू क्या है जीरो है, एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट कितना होगा जीरो, और a का वैल्यू क्या होगा माइनस टू। a का वैल्यू अगर सिर्फ माइनस टू होता है तभी ये लिमिट फाइनाइट हो सकता है, अदरवाइज दूसरे किसी भी a का वैल्यू के लिए ये फाइनाइट नहीं हो पाएगा। ठीक बात है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? अदरवाइज अगर दूसरा तरीका, ये तो देखो ये तो जनरल मेथड है, लॉपिटल से सॉल्व होता है ना। अगला वाला क्वेश्चन जो था टू का टू, वो तो मैं नहीं कराऊंगा ना, हर क्वेश्चन थोड़ा करके दूंगा, कुछ तो आपको भी करना है, तो वो क्वेश्चन भी आप इसी प्रकार से आराम से निपटा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लॉपिटल से सारे फॉर्मेट बनेगा। बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि कुछ कुछ जगह पे ना एक्सपांशन भी बच्चे यूज करना सीख जाते हैं, कि बोले सर यहाँ पे अपन साइन टू एक्स और साइन एक्स का एक्सपांशन लिख देते हैं और एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट आएगा सर उधर, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट आएगा उस चीज को अपन जीरो करके एक का वैल्यू निकाल देते हैं, तो उस प्रकार से भी कर सकते, कोई इशू नहीं। बट मैं तो कहूंगा कि आप यही सीखो क्योंकि इसी से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगर इससे नहीं बना कोई क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है शीट में, अपन बता देंगे एक्सपांशन, बट इससे सारे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये समझ आ गया तो और कुछ नहीं चाहिए सर। ठीक बात है, यहाँ पे बेसिकली ये लिमिट इनफाइनाइट हो रहा था बट क्वेश्चन में भूल के दी है फाइनाइट, अगर फाइनाइट होना है तो इसको जीरो बाई जीरो को मेंटेन करना होगा, अदरवाइज तो कोई रास्ता ही नहीं है ना इसके पास। तो ए प्लस टू को इसीलिए जीरो किया, ए का वैल्यू माइनस टू, और देखो ये जीरो होने के बाद जैसे ही अगले स्टेप में आपने डिफरेंशिएशन किए यहाँ पे सिक्स आ गया, समझ में आ रहा है ना, और न्यूमरेटर जीरो आ गया मतलब आंसर फाइनाइट भी आ गया, समझ आ रहा है? तो कुछ इसी प्रकार से अपन सोच सकते हैं, और वो सोचने का तरीका आपका दिमाग को जो ट्रेन करना मेरा काम होता है वही मैं कर रहा हूं। ठीक है, वो सोचने का तरीका मैं सिखा रहा हूं आपको कि किस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चंस को आप अप्रोच करना सीखेंगे। इधर पेन नहीं चलेगा तो एग्जाम में कुछ नहीं बनेगा, समझ आ रहा है ना, इधर पेन चलना पड़ेगा, जो सवाल करा के दे रहे उसको भी खुद से करना पड़ेगा, जो होमवर्क में है उसको भी करना पड़ेगा, है ना। 15 घंटा 16 घंटा जितना घंटा पढ़ना है पढ़ लो, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ोगे तो फंसोगे, जो पढ़ लेगा वो आगे जाएगा आपसे, जो नहीं पढ़ेगा वो शायद बाद में जिंदगी में बहुत अच्छा कर ले बट अब की पढ़ तो नहीं कर पाएगा, इस अपॉर्चुनिटी को तो वो हरा देगा। ठीक है, तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसको जो अपना लिया उसका कैरियर बन ही जाएगा, वो तो नहीं बोल सकता बट वो देश का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म में चला जाएगा जहां से उसका स्कोप सबसे सबसे ज्यादा होगा कैरियर बनाने का। ठीक है, जहां से उसका स्कोप सबसे ज्यादा होगा कैरियर बनाने का। ठीक है, बट और अगर कोई अभी कुछ कर भी नहीं पाया तो उसका कैरियर एकदम बिगड़ जाएगा, नहीं समय पे उसने काम नहीं किया, बट समय जब उसको कराएगा तब रोएगा वो, बट रोएगा तो करेगा अगर प्रॉपरली, बाद में जाकर के आज से 5 साल बाद जाके तो मेहनत करेगा तो जिंदगी तो बनेगा उसका, जब मेहनत करोगे दोस्त उसी वक्त फल मिलेगा। बट अगर वो सोच के अभी आप समय गंवा रहे हो तो आप अपना जिंदगी का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी हाथ से निकाल दोगे। आगे आपकी जिंदगी में इस देश में कोई अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले, इस देश में नहीं पूरा विश्व में अगर मिले या ना मिले उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आपको खुद को खुद सर्च करना पड़ेगा। अभी सरकार आपको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी देता बट अगर उसको आप भराओगे तो गड़बड़ कर दो। कहने मतलब है कि पढ़ लो प्रॉपरली, ठीक है, जो करा के दे रहे वो भी आपको करना पड़ेगा और जो होमवर्क में है वो भी करना पड़ेगा दोस्त, तभी जाकर के बनेगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है, मेहनत करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, तो देखते चलो और सवाल देखते हैं। तो चलो देखो आगे और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5π/4 बॉक्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर है बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये आसान सा क्वेश्चन है, मैंने क्यों उठाया समझ नहीं आ रहा। आप 5π/4 डाल करके आराम से LHL RHL चेक करके निकाल सकते हो, है ना, समझ ही आ रहा है। -1/√2 ये हो जाएगा आपका -2/√2 दैट इज -√2 जिसका बॉक्स हो जाएगा -2। ठीक है, -2 ही होगा आंसर, तो ये आप समझ जाओगे आराम से, है ना, ये आप खुद से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस प्रकार की चीजें मैंने आपको बताया था कि कॉम्पोजिशन लिमिट ऑफ कॉम्पोजिशन फंक्शन, है ना, क्या बोल रहा हूँ, लिमिट ऑफ कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन।
कैसे चेक किया जाता है वो चीज मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रखा है। वापस में एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, तो और ये चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगा। कैसे हम cos x का लिमिट चेक करेंगे x इक्वल टू जीरो पे, जहाँ पे fx dx हमें इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, हमेशा आप LHL RHL करके ही लिमिटिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर LHL का बात करो एकदम सिंपल, देख एकदम सिंपल सर, जैसे सोचते उसी प्रकार से सोच, एकदम सिंपल हो जाएगा चीजें। x टेंडिंग टू जीरो माइनस, जैसे ही मैं x tending to 0 minus पे देखूंगा तो सबसे पहले fx का वैल्यू चेक करूंगा। fx का वैल्यू क्या है, लिमिटिंग वैल्यू नहीं, फंक्शनल वैल्यू ढूंढेगा fx का, फंक्शनल वैल्यू। x tending to 0 minus, 0 minus मतलब ये वाला केस, 0 से पीछे। fx क्या है, 2 minus x, 2 minus x पे 0 minus डाल दे, 0 minus मतलब -0.001। अगर यहाँ पे मैं -0.001 डालूंगा तो ये 2.001 आएगा, दैट इज ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 0 माइनस पे एफ एक्स का फंक्शनल वैल्यू 2 प्लस आ रहा है। लिमिटिंग वैल्यू तो 2 है, बट 2 से काम नहीं चलेगा, 2 प्लस से काम चलेगा। अभी देखो जी एक्स में 2 प्लस चाहिए, 2 प्लस चाहिए तो किधर ढूंढना है, इधर ढूंढना है 2 प्लस में। 2 प्लस अगर यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.001 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा, -2.999। मतलब क्या होगा, -2.999 मतलब क्या, -3 से थोड़ा सा पीछे, -3 से थोड़ा सा पीछे। अगर -3 से थोड़ा सा पीछे है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, -3 का पीछे मतलब माइनस, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा, -3 आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, इस प्रकार से सॉल्व करना सही है। आगे चल का अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अगर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात करूं तो x टेंडिंग टू 0 प्लस में, x टेंडिंग टू 0 प्लस में ये एफ एक्स किसको टेंड करेगा, एफ एक्स किसको टेंड करेगा, 0 प्लस अगर यहाँ पे डालेंगे तो ये 1.001 हो जाएगा, ये 1 प्लस हो जाएगा ना भाई, ये 1 प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये 1 प्लस हो जाएगा। अगर ये 1 प्लस हो गया तो 1 प्लस कौन सा फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट है ना, तो 1 प्लस में अगर डालेंगे तो ये वैल्यू कैसे चेक करना है। अभी ये तो क्वाड्रेटिक आ गया, इतना आसानी से चेक नहीं करोगे। अबे क्यों नहीं कर सकते हो इतना आसानी से चेक, इस क्वाड्रेटिक को बना दो ना, एक ही एक्स में कन्वर्ट कर दो, इसको क्या करो, इस नलायक को परफेक्ट स्क्वायर बना दो, काम खत्म हो जाएगा। एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 हो गया काम खत्म। समझ आ रहा है ना, अभी अगर 1 प्लस यहाँ पे डालेंगे तो 1 प्लस माइनस 1 कितना होगा, 0.001 बचा रहेगा, 1.001 माइनस 1 विल बी 0.001, जिसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा आएगा, दैट इज 0.00001 होगा। माइनस 3 करेंगे तो -2.9999 होगा, दैट इज इसका आंसर भी क्या होगा, 3 से सॉरी -3 से थोड़ा सा छोटा, और उसका लिमिटिंग वैल्यू अगर मैं देखूं तो -3। एज ये दोनों इक्वल है तब हम क्या बोल सकते हैं, और फाइनाइट भी है, ये फाइनाइट लिमिट है, तो एज LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी जो कि है -3, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 गॉफ x का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। समझ आ रहा है, क्लियर है, तो कुछ इसी प्रकार से अपने को सॉल्व करना है। सर ने आपको हमेशा बोला है LHL RHL काम पे ध्यान देना है, जब फंक्शन डिफाइन करके देगा क्वेश्चन देख के समझ आता है कि LHL RHL पे ध्यान दे या फिर डायरेक्टली लिमिटिंग वैल्यू सॉल्व करके निकाल दे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिखा है इवैल्यूएट करने वाला, यहाँ पे दोनों पे देख के लग रहा है कि डायरेक्टली सर करो कैलकुलेशन, कुछ दिक्कत नहीं होगा, बट यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट आ गया तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो यहाँ पे LHL RHL जरूर चेक कर ले। ठीक है, एक एक बात मान ले क्वेश्चन बनेगा, एक झटके में क्वेश्चन बनेगा। समझ आ रहा है क्या, चलो आगे। आगे भाई आगे, ध्यान से ये वाला क्वेश्चन, 4 वाला क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो मेरे साथ साथ। लिमिट क्या है, x टेंडिंग टू 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2, यहां पे क्या है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस सॉरी होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस 1। सही बात है, क्लियर है भाई। चलो तो अगर अपन 2 का वैल्यू डायरेक्टली डाल देते हैं तो लफड़ा हो जाएगा यहां पे, ठीक है, रामायण आ जाएगा ना पूरा अच्छे से, बिकॉज 2 प्लस और 2 माइनस पे फ्रैक्शन पार्ट अलग अलग होगा ना भाई। 2 माइनस मतलब 1.999, 1.999 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.999 होगा, बट 2 प्लस पे 2.001 उसका फ्रैक्शन पार्ट 0.001 होगा, तो दोनों ही तरफ कहानी जो है वो पूरा पूरा चेंज हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे आपको LHL RHL निकालना सबसे पहला काम है, और लिमिटिंग वैल्यू जो है वो तो LHL RHL अगर इक्वल आ गया तब तो दोनों जो जिस वैल्यू के इक्वल होगा वही तो हो जाएगा ना लिमिटिंग वैल्यू, और क्यों सॉल्व करें, और अगर इक्वल नहीं आया मतलब लिमिटिंग वैल्यू आ ही नहीं सकता है, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आ रहा है ना, क्लियर है।
तो अगर अपन देखें यहाँ पे तो क्या देख सकते हैं, तो LHL का वैल्यू अगर देखें तो ये लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 माइनस हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा बॉक्स x का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाय बॉक्स x माइनस 1। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं है ना डाउट। चलो तो ध्यान से देखना, अभी मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, बॉक्स में तो लिमिट सॉल्व करना आता ही नहीं है, तो सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे। क्या करेंगे? सब्सटीट्यूशन। दर ध्यान सोचने कोशिश कर, सीखने का प्रयास कर। बॉक्स एक्स को अपन टी मान लेते, क्या मान लेते हैं? टी मान लेते। अभी ध्यान से सुनो कैसे मैं लिमिट को रिप्लेस करूंगा, जरा ध्यान से देखना। एज एक्स इज टेंडिंग टू 2 माइनस, टी टेंडिंग टू क्या होगा 2 माइनस जब होगा तो टी क्या हो रहा है 0.999 हो रहा है, मतलब t tending to क्या होगा 1 होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये लिमिट जो होगा ये चेंज होकर के क्या लिख सकते हैं, लिमिट t tending to 1 इधर t square minus 3t plus 2 divided by t minus 1। एक फैक्टर t minus 1 आएगा जो कि इंडिटर्मिनेसी दे रहा है 0/0, उसको हटा दोगे तो इधर t minus 2 बचेगा, t का वैल्यू 1 डालो तो यहाँ पे 1 minus 2 कितना आएगा minus 1 आ जाएगा, LHL का वैल्यू। समझ आ रहा है? सिमिलरली अगर मैं RHL पे फोकस करूं तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस 1। अभी अगर अपन फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू को t मान लेते हैं तो as x टेंडिंग टू 2 प्लस t टेंडिंग टू 0, मानते हो नहीं मानते हो, 2 प्लस मतलब 2.001 और 2.001 का फ्रैक्शन पार्ट बोले तो 001 के आसपास रहेगा, 0.001 के आसपास, दैट इज 0 के नजदीक, t टेंडिंग टू 0 और यहां पे t टेंडिंग टू 1। खेल समझ आ रहा है आपको? इसीलिए तो है ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन, ये t टेंडिंग टू 0 ये क्या है, t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 डिवाइडेड बाय t माइनस 1। यहां पे कोई इनडिटरमिनेसी है क्या? देखो 0 पुट करने से कोई इनडिटरमिनेसी है ही नहीं, मतलब डायरेक्टली आंसर निकालो, क्या निकालो 0 डालो ऊपर 2 नीचे माइनस 1 तो आंसर विल बी माइनस 2, इधर से कितना आ रहा है माइनस 1, क्या दोनों इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहा है तो ये लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है। समझ आ रहा है? अच्छा कभी कभी ना क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ पे 2 प्लस या 2 माइनस करके दे देता है, तब उल्लू मत बनना, समझ में आ रहा है ना? अगर 2 प्लस होता है तो आंसर क्या दोगे, एग्जिस्ट दोगे और आंसर माइनस 2 दोगे, अगर 2 माइनस दे देता है तो आंसर क्या दोगे, माइनस 1 दोगे। बट अगर सिर्फ 2 दिया मतलब आपको LHL RHL यहाँ पे नेबरहुड में 2 का नेबरहुड में चेक करना होगा। समझ आता मेरी बात? क्लियर है? पक्का? चलो आगे देखते भाई, आगे देखते क्वेश्चन वापस लिखने का मन नहीं कर रहा है। देख x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, रैशनलाइजेशन करना चाहता है क्या? चाहता है तो भूल जा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट सब डाल दिया, ठीक है? तो यहाँ पे सर का ट्रिक ही काम आएगा और कुछ नहीं आएगा। बोले तो वो ट्रिक क्या है, किस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर से डिवाइड लगा दो, काम में पड़ जाएगा। डिवाइड करे तो हाईएस्ट पावर से करेंगे, हाईएस्ट पावर कौन है? फॉर्मेट तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी दिख रहा है, ठीक है, बट ये जो है वो तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है, वो अपने आप में एक और इंडिटरमिनेंसी है, मतलब लिमिट के अंदर एक और लिमिट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो एक बार क्यों ना हम इतना कुछ ना सोच के हाईएस्ट पावर से डिवाइड करके देख लेते हैं कहीं क्या हो रहा है। समझ आ रहा है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी अंडर रूट के अंदर दिख रहा है एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 1। समझ आ रहा है मेरी बात? एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 1 दिख रहा है प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहां पे कितना होगा फोर्थ रूट ऑफ 2 माइनस 6 एक्स टू दी पावर 5 प्लस 2 एक्स टू दी पावर 6 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ एक्स टू दी पावर 7 प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 1। सही बात है, ठीक है ना? अभी हाईएस्ट पावर कैसे ढूंढते जरा सोचो, यहां पे चेक करो हाईएस्ट पावर एक्स का कितना आएगा 3/2 इधर थ्रू और रूट होकर के हाफ आएगा ना 3/2 इधर 6 है और इधर 4 है तो 6/4 कितना होता है 3/2 ही होता है, इधर कितना 4/3 और इधर कितना 7/5। देख तो इन तीनों में कौन सा बड़ा है, इन तीनों में जो बड़ा है वही हो जाएगा हाईएस्ट पावर। ये 1.5 है, ये लगभग 1.33 के आसपास है शायद,
और ये कितना हो जाएगा 1.4 के आसपास शायद, तो हाईएस्ट पावर 3/2 ही लग रहा है, ठीक है ना। तो सारे जगह पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पे हम किससे डिवाइड करेंगे, एक्स टू दी पावर 3/2 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर एक्स टू दी पावर 3/2 से डिवाइड किया तो इधर जो सीनरी बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स नीचे आएगा, ऑब्वियसली एक्स नीचे आएगा। एक्स टू दी पावर 3/2 से अगर डिवाइड मारेंगे तो एक्स नीचे आएगा ना भाई, कैसे नीचे आएगा समझता नहीं। देखो अब तक ये समझ में आना चाहिए ना, ये x to the power 3/2 से डिवाइड किया, चल समझ में आ रहा है, मैं मान लेता हूं तुम्हारा बात। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं 9/2 कर देता हूँ और यहाँ पे पावर में 1/3 लिख देता हूँ। अगर पावर में 1/3 लिख के 9/2 कर दिया मतलब ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ ए बाई क्यूब रूट ऑफ बी क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी कर दो, एक्स टू दी पावर 4/9/2 ये क्या हो जाएगा 1/√x हो जाएगा, और ये 1/x^9/2 हो जाएगा। डिवाइड होकर के देखो ना बे, 9/2 4 से ज्यादा है ना, तो 9/2 - 4 नीचे आएगा, या तो 4 - m - n करो क्या आएगा, -1/2 आएगा, नीचे आएगा तो 1/√x आएगा ना। x टेंडिंग टू इंफिनिटी में ये पूरा पूरा किसको टेंड कर रहा है, 0। तो जब x टू दी पावर 3/2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे तो ये टर्म और ये टर्म तो पूरा पूरा 0 को टेंड हो गया, समझ में आ रहा है। और इधर भी ये सारे टर्म तो 0 ही बनेगा, तो बचेगा कौन, सिर्फ हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट बचेगा। इधर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कौन, 1, और इधर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कौन, 4√2, दैट इज आंसर विल बी 1/√2, खत्म। समझ आ रहा है, क्लियर है, ऐसे खत्म। बट अगर यहाँ पे आप लॉपिटल रूल लगाने चले गए, बोले तो पहले अपन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को रेशनलाइज करके देख, रेडिकल पावर जब डिफरेंस होता है, रेशनलाइजेशन करना मैंने आपको सिखाया नहीं, ये ओलंपियड में अपन करते हैं, बट जेई पे वो उतना काम का चीज होता नहीं है, इसीलिए सिखाया नहीं फालतू में, ठीक है। बट अगर लास्ट में समय मिले तो याद करोगे तो सिखा देंगे, या तो आपके पास हॉलिडे नाइट है तो पढ़ लेना, उधर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वो चीज का जरूरत नहीं है, इसीलिए नहीं सिखाया बेसिक मैथ्स में, ठीक है। और भाई आप मेरे को समझ नहीं के पढ़ाने का, पहला दो महीना लास्ट ईयर मेरे को नहीं मिला, उधर हमने बेसिक मैथ्स पढ़ाया, ठीक है। बट अगर आप सीखना चाहते हो तो आप खुद से भी सीख सकते हो, है ना, ऐसा कोई नहीं है कि सर यहाँ पे इस प्रकार की चीजों पर रेशनलाइजेशन कैसे करें, बस इतना सा ही चीज है कि एक्स टू दी पावर एन माइनस वाई टू दी पावर एन और ये वाला फॉर्मूला अगर अच्छे से अप्लाई करना आता है तो रेशनलाइज कर लोगे यहाँ पे। तो बट रेशनलाइज करें तो क्यों करें, करके क्या लॉपिटल लगाएंगे, इतना गंदा चीज। मैंने आपको हमेशा ही बोला था, पहले से ही बोला था जब लॉपिटल पढ़ाया था, कि रेडिकल जब भी आता है, रेडिकल साइन जब भी आता है तब भी मैं लॉपिटल को अवॉइड करता हूं, हर वक्त अपन लॉपिटल को अवॉइड करते हैं जब जब हमारे सामने रेडिकल साइन मिलता है, ठीक है। उसका रीजन भी आप जानते हो क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन काफी गंदा हो जाता है, ठीक बात है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो इस प्रकार के रेशनलाइजेशन आप पढ़ सकते हो हॉलन नाइट से, मेरे पास अभी तो समय नहीं है, अगर अंत में समय होगा तो जरूर पढ़ा देगा, ठीक है। चलो नोट कर लीजिएगा प्रॉपरली, चलो लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये वाला सवाल, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x टू द पावर 10 माइनस 10x प्लस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 डालो कितना आ रहा है, 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है। अगर 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो नीचे आएगा 2 × x - 1 और ऊपर आएगा 10x^9 - 10, समझ आ रहा है, क्लियर। तो ये 2 से 10 को कैंसिल करके 5 बाहर लेके चला गया, और इधर आ गया लिमिट x^9 - 1 × x - 1 यहां से आप लॉपिटल लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज वो फॉर्मूला अगर लगाना है तो वो भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 5/9 बेसिकली, ठीक है। यहां से ये लिमिट तो कोई भी सॉल्व कर देगा, है ना, आंसर 5/9 हो गया, ठीक है। बट इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन नहीं दिखाया, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया ताकि आपको मैं बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन सिखा पाऊं लिमिट्स में, ठीक है। बाइनोमियल्स को अपन कैसे यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ लिमिट्स, हाँ इस क्वेश्चन में तो आपको जरूरत नहीं भी हो सकता है शायद, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर का डिग्री काफी छोटा है। बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जहां पे आप एक्सपांशन से भी फंस जाओगे, लॉपिटल से भी फंस जाओगे, इंटीग्रेशन टेक्निक से भी नहीं होगा, मतलब कुछ भी, मतलब बहुत सारे चीजों से नहीं होगा तो आप फंस जाओगे। तो उधर बाइनोमियल आपको मदद करता है, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना होगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो बाइनोमियल से कैसे हम लिमिट्स को सॉल्व कर पाए वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा हूँ, एक्स माइनस वन को क्या मान लेता हूँ, एज मान लेता हूँ, समझ में आ रहा है ना। ये देखिए एक्स टेंडिंग टू 1 है ना, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 1 है, तो एक्स माइनस 1 को अपन क्या मान रहे हैं, एज मान रहे हैं। तो एज एक्स इज टेंडिंग टू 1 एज मस्ट टेंड टू क्या, 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना।
तो h अगर टेंडिंग टू जीरो हो गया तो लिमिट किस में चेंज हो जाएगा, h टेंडिंग टू जीरो डिनोमिनेटर में आ जाएगा h स्क्वायर, उधर x का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस h होल टू द पावर 10 माइनस 10 इंटू 1 प्लस h प्लस 9। समझ आता है क्या मेरी बात? ठीक है, बस अभी इस चीज को बाइनोमियली एक्सपांड कर दो, काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू h स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट डॉट। और लिखी नहीं रहे, क्यों नहीं लिख रहे आप जानते हो, एक्सपांशन में उसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि अगर यहाँ पे एच क्यूब आएगा नीचे एच स्क्वायर है, कैंसिल आउट होके सारे के सारे एच का फैक्टर न्यूमरेटर में बचेगा और एच टेंडिंग टू जीरो है तो वो सारे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये कितना हो जाएगा माइनस 10 इंटू 1 प्लस एच, तो ये कितना बचेगा माइनस 10 प्लस 9, तो ये माइनस 1 माइनस 10 एच बचेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। तो 10 एच से ये गया, माइनस 1 से ये गया और एच स्क्वायर से ये वाला चीज गया, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको एच स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद उसका लिमिटिंग वैल्यू जीरो आ जाएगा, तो आंसर अल्टीमेटली ये ही बचेगा, दैट इज 10 इंटू 9 बाई 2, तो आंसर हो जाएगा आपका 45। बट यहाँ पे ऐसे क्यों आया भाई? ओहो, यहाँ पे 5 बाई 9 क्या कर रहा हूँ, 5 इंटू 9 आएगा ना, 9 बाई 1 1 टू दी पावर 9 माइनस 1 आएगा, दैट इज 45 ही आएगा, इधर पे 45 उधर पे 45। समझ में आ रहा है ना? तो दिस बेसिकली एक्सपांशन ही है, बाइनोमियल एक्सपांशन, बस थोड़ा सा आता है अभी, कहीं पे देख लो कि किताब विताब में बोलोगे सर सर आप तो बोलते हो हर कुछ पढ़ाते हो बट नहीं पढ़ाए यहाँ पे बाइनोमियल का कांसेप्ट, ठीक है, तो बता दिया है ना, आपको बोलने का कोई जगह नहीं छोड़ूंगा। समझ आ रहा है क्या? ढूंढ ले जितना ढूंढना है ढूंढ ले, कितना किताब ढूंढने का, कितना मेटेरियल ढूंढने का, कितना टीचर का नोट ढूंढने का ढूंढ ले, अगर मिल जाता है कहीं पे कि सर से ज्यादा लिमिट्स कहीं पे पढ़ा दिया तो बोल सर को, बता देंगे। हो गया यहाँ तक, ठीक है, अभी और कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं और फिर डिस्कस करते हैं उन सबको। तो देखो और कुछ क्वेश्चन, 22 आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, देखो अभी मैंने आपको बाइनोमियल का एप्लीकेशन बताया था, तो इसी जगह पे आपको पता चलेगा कि ये बाइनोमियल थ्योरम का लॉजिक जो है वो सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यूब रूट ऑफ एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 2n, समझ में आ रहा है? ध्यान से देखना, मैंने एक सिंपल जगह पे बाइनोमियल आपको सिखाया था बट ये बाइनोमियल हकीकत में कितना काम का चीज है ध्यान से देखो। उस जगह पे ऐसा ही क्वेश्चन मैंने क्यूब रूट ना देके स्क्वायर रूट देके आपको कराया था, उस जगह पे आप बच गए थे रैशनलाइजेशन करके। बट अगर इस प्रकार का इरेशनल टर्म का अगर रैशनलाइजेशन आपको नहीं पता तो आप बच सकते हो विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल कांसेप्ट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कैसे बचोगे ध्यान से देखते, ठीक है। अपन यहां से क्या करें, हाईएस्ट पावर जो उसको पहले निकालो, करते क्या हो वैसे के लिए, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्मेट है ना, तो अपन रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर पैदा करते हैं, फिर डिनोमिनेटर पैदा करने के बाद जाकर के हाईएस्ट पावर से डिवाइड करके आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। वही तो करते थे इतना देर तक जब 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 दोनों जगह पे स्क्वायर रूट है, बट अब की बार खेल चेंज हो गया, यहाँ पे क्यूब रूट यहाँ पे स्क्वायर रूट हो गया, तो अभी बाइनोमियल सोचना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है ना? तो किस प्रकार से सोचोगे, जरा ध्यान से देखो इस चीज को। एन क्यूब जो है उसको अगर मैं कॉमन लेना चाहता हूँ, ठीक है, एन क्यूब जो है उसको अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये 1 प्लस 3 बाई एन टाइप का कुछ आएगा दोस्त, माइनस अगर यहां से एन स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं तो ये 1 माइनस 2 अपॉन एन टाइप का कुछ बचेगा, बोलो भाई बचेगा ना। तो इसी चीज को अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको तो ये क्या बनने वाला है, जरा ध्यान से देखो, यही एन क्यूब का क्यूब रूट होकर के कौन बाहर आएगा, एन बाहर आएगा, और इधर हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 3 बाई एन माइनस इसी एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट होकर एन बाहर आ रहा है और यहाँ पे 2 बाई एन लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? एन टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी है, मॉड्यूलस ऑफ एन को एन मान रहे, समझ के चलो, ठीक है। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो एन को बाहर लेकर के आ गया, अब इसी चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 3 बाई एन होल टू दी पावर 1 बाई 3 माइनस 1 माइनस 2 बाई एन होल टू दी पावर 1 बाई 2, समझ में आ रहा है? तो अब की बार आप क्या कर दो, अभी इसको तो रैशनलाइज करके अब डिनोमिनेटर में लेके जाना आपके लिए इम्पॉसिबल है बिकॉज इसका रैशनलाइजेशन आपको आता नहीं है और सीखने का भी जरूरत नहीं, उसके बिना ही काम चला देंगे। तो यहाँ पे क्या करें, बाइनोमियल एक्सपांशन लगा के 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर एन का एक्सपांशन लगाओ, समझ में आ रहा है? तो काम बनेगा यहाँ पे, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन यहाँ पे 1 प्लस एन एक्स होगा, 1 प्लस एन इंटू एक्स होगा प्लस जो भी है एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। बट वो टर्म में अभी लिखने में मेरे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं उसको डॉटेड में छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया आप सोचो जरा, इधर 1 माइनस हाफ इंटू 2 बाई एन प्लस ये वाला टर्म भी इधर मैंने डॉटेड में छोड़ दिया, क्यों?
क्योंकि ये सारे टर्म एन स्क्वायर एन क्यूब नीचे आना शुरू होगा। और सोचो अगर नीचे एन स्क्वायर एन क्यूब ये सब आया तब इस एन से जब वो कैंसिल होगा तो डिनोमिनेटर में एक ना एक एन तो बचेगा, और डिनोमिनेटर में अगर एक ना एक एन बचता है तो एन टेंडिंग टू इंफिनिटी है, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आएगा, पूरा पूरा चीज किसको टेंड करेगा, जीरो को, और उसका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा जीरो। मतलब जितना भी चीज मैंने डॉटेड में घुसाया वो सारे एन से मल्टीप्लाई होकर लिमिटिंग वैल्यू जीरो देगा, तो उसको लिखना ना लिखना बराबर है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? और ये प्लस वन माइनस वन का टेंशन था ये कैंसिल हो गया, इधर वाला जीरो हो गया, बचा सिर्फ ये दोनों टर्म। तो ये दोनों टर्म आपको क्या दे रहा है, क्या दे रहा है ये दोनों टर्म, एन और वन बाई एन कॉमन आएगा ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर ही दे देगा आपको इधर वन और इधर वन, वन माइनस वन कितना आ रहा है जीरो आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, बेसिकली ये दोनों टर्म भी तो कैंसिल हो रहा है ना, ये दोनों टर्म भी तो कैंसिल हो रहा है, और रिमेनिंग टर्म सारे के सारे डिनोमिनेटर में एन दे रहा है और एन इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ओवरऑल लिमिट का आंसर किसको टेंड करेगा जीरो, और लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। समझ में आ रहा है, देखो जरा बाइनोमियल का एप्लीकेशन क्या है, फर्जी चीज नहीं बहुत काम का चीज है। समझ में आ रहा है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आईएमएल में बहुत मिलेगा, बहुत, ठीक है? तो अगर अगर प्रैक्टिस का जरूरत है तो मांग लीजिएगा मुझसे, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? वर्कशीट में इतने अलग अलग प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रेजेंट है ऑलरेडी, कि वो जब तक मैं खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं दूसरा कुछ आपको दूंगा नहीं, वो अलग बात है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, ठीक है, अंडर रूट वन माइनस टेन एक्स, अंडर रूट वन माइनस टेन एक्स माइनस अंडर रूट वन प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा साइन क्यूब एक्स, डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स। समझ आ रहा है मेरी बात, डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स, ठीक है? तो यहां पे आपको समझ आ रहा है पाई डालने पे ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्मेट बन रहा है, तो रैशनलाइजेशन का हाथ होगा यहाँ पे, बिल्कुल ऊपर न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, न्यूमरेटर को अगर मैं रैशनलाइज कर देता हूं तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा साइन क्यूब एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस टेन एक्स प्लस इधर में आएगा वन प्लस टेन एक्स। समझ आता है क्या मेरे पास, और इधर वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये कहीं ना कहीं माइनस टू टेन एक्स बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा दोस्त, बराबर बनेगा। समझ आ रहा है मेरे पास, क्लियर है? चलो आगे अगर कहानी सोचते हैं तो इस चीज को यहाँ पे तो जीरो बन रहा है, ठीक है? तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, अगर सोचोगे प्रॉपरली तो आपको ये चीज तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा अभी, है ना, प्रॉब्लम कर रहा है ये वाला चीज, ठीक है? तो साइन पाई तो जीरो हो रहा है ना, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर मैं इसको टेन है तो साइन पाई कॉस, कॉस पाई तो जीरो नहीं देगा, और एक साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन से साइन क्यों कैंसिल होके साइन स्क्वायर बचेगा ना, और साइन स्क्वायर को ऊपर लेके अगर चला गया तो कॉस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, बट कॉस एक्स स्क्वायर पाई पे तो वही इंफिनिटी वाला फंडा देगा, ठीक है? ये डज नॉट एग्जिस्ट का सीन बनेगा, बट अगर मैं ध्यान से देखूं क्या इसको वापस और कुछ किया जा सकता है, क्या इसको और कुछ किया जा सकता है, अगर यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू जीरो होता ना तो कुछ फायदा होता, तो चलो मैं सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, ठीक है? एक्स माइनस पाई को मैं एच मान लेता हूँ और लिख दूंगा एज एक्स इज टेंडिंग टू पाई एच विल टेंड टू जीरो। समझ में आ रहा है, तो ये जो चीज बनेगा ये क्या बनेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस टू इंटू टेन, एक्स का वैल्यू क्या डालेंगे अपन पाई प्लस एच, पाई प्लस एच, नीचे क्या हो जाएगा साइन ऑफ पाई प्लस एच का होल क्यूब, ठीक है? और इधर अगर मैं देखूं अंडर रूट ऑफ वन माइनस टेन ऑफ पाई प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस टेन ऑफ पाई प्लस एच। समझ आता है मेरी बात, क्लियर है? चलो तो टेन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है और टेन पाई है इवन मल्टीपल है तो टेन थीटा ही रहेगा, ये साइन पाई प्लस एच थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं माइनस साइन क्यूब एच बन जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल और ये टेन एच ही रहेगा और ये भी टेन एच ही रहेगा। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है? तो अभी अगर हमें ध्यान से देखो तो इस चीज को एच टेंडिंग टू जीरो है तो इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए टेन एच को क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, वही बात है ना, टेन एच को एच से डिवाइड करोगे एच से मल्टीप्लाई करोगे टेन थीटा बाई थीटा हो जाएगा वन और एच रह जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा एच क्यूब बचेगा। समझ में आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होकर के क्या रहेगा एच स्क्वायर रहेगा, तो ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टू डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस टेन एच
प्लस अंडर रूट वन प्लस टेन इंच दिख रहा है, तो ये फॉर्मेट क्या बन रहा है, टू बाई जीरो इंटू, ये क्या दिख रहा है, टू बाई जीरो इंटू ये वन प्लस वन तो टू दिख रहा है, मतलब टू बाई जीरो ये तो इन्फिनिटी को टेन करेगा भाई, अगर ये इन्फिनिटी को टेन करेगा तो इसको तो डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे या फिर एग्जिस्ट इनफाइनेटली बोलना पड़ेगा, ऑप्शन में जो होगा वही होगा। आंसर क्या है इसका, यार आंसर भी नहीं है शीट में इसका, अजीब सा सवाल है। खैर इसका आंसर अभी तक आप क्या छोड़ोगे, वही दोगे जो अपन बोल रहे हैं, एग्जिस्ट इनफाइनेटली या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आप एक बार मेरे को याद दिला देना इस क्वेश्चन का, मुझे आंसर चेक करके आपको बताना, क्योंकि शीट में आंसर देना मैं भूल गया। ठीक है, तो वही होगा आंसर, एग्जिस्ट इनफाइनेटली या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि टेन टू इन्फिनिटी हो रहा है ना, इसीलिए हो गया। आगे देखते, चलो आगे देखते, चलो आगे देखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू वन माइनस कॉस ऑफ वन माइनस साइन एक्स बाई पाई माइनस टू एक्स होल पावर फोर। अच्छा, यहाँ पे तो पहले ही मेरे को देख करके गुस्सा आ रहा है, एक्स माइनस पाई बाई टू को ईच मान लेते, पहले ही मेरे को एक खुशबू मिल रहा है उसका। ठीक है, तो एज एक्स इज टेंडिंग टू पाई बाई टू, ईच किसको टेंड करेगा, ना जीरो को टेंड करेगा ऑब्वियसली। ठीक है ना, तो ये कहानी जो है ये क्या बनेगा, लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो बनेगा वन माइनस कोसाइन ऑफ वन माइनस कॉस पाई बाई टू प्लस एच, विच विल बी वन माइनस कॉस पाई बाई टू प्लस, दैट इज सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है और चेंज टू कॉस एच हो जाएगा। ठीक है, नीचे हो जाएगा पाई माइनस टू एक्स, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस टू सॉरी ये माइनस टू एच टू दी पावर फोर, दैट इज ये सिक्सटीन एच टू दी पावर फोर हो जाएगा। सही बात है, कोई इशू नहीं है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो दोस्त, वन बाई सिक्सटीन को हटा, आगे लेकर के आ जा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस एफ एक्स है ना, एफ एक्स को 1 माइनस कॉस एच को 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 लिख सकता है। ठीक है, इसका भूक किस, इसका भूक क्या है, 1 माइनस कॉस एफ एक्स बाई एफ एक्स, एफ एक्स टेंडिंग टू जीरो बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है याद रखने के लिए, 1 माइनस कॉस एफ एक्स बाई एफ एक्स डाल यहाँ पे। ठीक है, उसी एफ एक्स को इधर एडजस्टमेंट कर, ठीक है, उसी एफ एक्स को इधर एडजस्टमेंट कर, सॉरी 1 माइनस कॉस एफ एक्स बाई एफ एक्स स्क्वायर होता है ना, इसका स्क्वायर चाहिए होगा, 1 माइनस कॉस एफ एक्स बाई एफ एक्स स्क्वायर होता है, और इधर 16 एच टू दी पावर 4, समझ में आ रहा है, बट 1 माइनस कॉस एफ एक्स बाई एफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू हाफ होता है, लिमिट कब होता है, जब एफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, आप जानते हो कि एच टेंडिंग टू अगर जीरो है तो साइन एच बाई टू भी टेंड टू जीरो होगा, बिकॉज इफ एच इज टेंडिंग टू जीरो, एच बाई टू ऑल्सो टेंड्स टू जीरो, एंड साइन ऑफ थीटा विल बी जीरो, तो इसका आंसर पूरा पूरा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट इज 1 बाई 16 इंटू हाफ इंटू इधर टू स्क्वायर होकर के तो बाहर आएगा, ये 16 को तो हटा दी, वापस क्यों लिख रहा हूं, ठीक है भाई, हाँ 16 को तो हटा दी मैंने, चलो ये तो एच टू दी पावर 4 बाहर आएगा, और साइन स्क्वायर बाई एच टू दी पावर, अच्छा मतलब इसको अपने को कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं ये साइन टू दी पावर 4 हो गया ना, सही है, ये तो साइन टू दी पावर 4 एच बाई 2 है, तो इधर हमें क्या चाहिए, एच बाई 2 होल टू दी पावर 4 चाहिए, तो h टू दी पावर 4 h बाई 2 होल टू दी पावर 4 अगर है तो और किस चीज का जरूरत है, यहाँ पे 2 टू दी पावर 4 लगाने का जरूरत है ना भाई, और तो किसी चीज का जरूरत नहीं, अभी तो ये तो हो जाएगा आपका 1, बिकॉज h टेंडिंग टू 0 तो h बाई 2 भी टेंड टू 0, तो sin थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 का फॉर्मेट बन गया, ये तो 1 हो जाएगा, और ये 2 टू दी पावर 4 ये 4 है, और ये कितना आ गया, 1 बाई 16 इंटू हाफ इंटू 4 इंटू 1 बाई 16, तो ये हो जाएगा 4 8 8 और 16 कितना हो जाएगा, 144 रामायण नहीं है ये, फर्जी बोर्ड एग्जाम नहीं है कि सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग ही दिमाग कैलकुलेशन करेंगे, समझ आ रहा है ना, क्लियर है, और अगर लिखने के लिए कोई बोलता है तो लिख भी देंगे, क्या इशू है, समझ आता है क्या, अल्जेब्रिक ऑपरेशन वगैरह सारी चीज यूज होती है तो हो रहा है ना, ये सारे कहानी अंदर ही अंदर लिमिट एफ एक्स इंटू लिमिट जी एक्स बन रहा है, वो सब प्रॉपर्टी ब्रेक कर रहे हैं, फिर जाके तो करते ना, समझ आ रहा है मेरे बात, क्लियर है, बट अंत में जब प्रैक्टिस करोगे तो मेरी तरह करना है, समझ में आ रहा है ना, जल्दी जल्दी करना है, ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को और देखते हैं। देखो x से साइन 1 अपॉन x प्लस x प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 x स्क्वायर माइनस x, सही बात है दोस्त, इसका लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी में क्या होगा, ये x टेंडिंग टू 0 में तो मैंने आपको बता रखा है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी में x से साइन 1 बाय x क्या होगा,
सोचो जरा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा साइन 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स. अभी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 1 बाई एक्स टेंडिंग टू 0, तो साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 विल टेंड टू 1, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है. और ये क्या हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मतलब ये तो वो वाला फंडा हो गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इधर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन गया, तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड करने से काम खत्म हो जाएगा. तो आंसर क्लियरली दिख रहा है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड मारा आंसर क्या आएगा, हाफ आएगा, करने का जरूरत ही नहीं हुआ, ऑर्डरली सॉल्व हो गया, समझ आ रहा है, क्लियर है. चलो यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखाने का प्रयास करूंगा. मेरा पर्सनल सजेशन है कि सर आपको जब भी इनवर्स मिले लिमिट में, जब भी आपको आईटीएफ का क्वेश्चन मिले, तो आप हमेशा क्या करो, उस चीज को सब्सटीट्यूशन से ही सॉल्व करो, साइन इनवर्स एक्स को डी मान लो, फिर जाकर के अपना काम करो, तो आप कंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि इनवर्स का डिफरेंशिएशन हमेशा बहुत ही गंदा होता है, तो लॉ पिटेल यहाँ पे अप्लाई करने से पहले आपको घबराना चाहिए, समझ आ रहा है ना, इसीलिए मैं ये चीज को इस प्रकार से बता रहा हूँ, ठीक है. और मैं पसंद करता हूँ, देखो मैं पसंद करता हूँ कि चीजें जो है वो थ्योरी, जो छोटे छोटे पॉइंट है वो साथों साथ एक्सप्लेन करने के बाद ना एक साथ मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ, ठीक है. सारे मैं जब पढ़ाता भी हूं ना, मैं ये पर्सनली, ये मेरे को आप अगर दूसरी जगह पे देखोगे तो हाँ, इनबिल्ट लिमिट टॉपिक पढ़ाया, उसके अंदर पे क्वेश्चन ये पढ़ाया, हाँ मैं भी उस प्रकार से करना पड़ता है कभी भी. फिर जैसे मतलब ये मेरा पर्सनल पसंद है कि जब अपन लिमिट का, आज के 3 महीना बाद अगर लिमिट का क्वेश्चन अगर एक शीट मैंने पकड़ा दिया ना, सिर्फ क्वेश्चन का, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नजर आएगा, समझ में आ रहा है ना, आपको खुद जज करना होगा वो क्वेश्चन किस कैटेगरी के अंडर में गिर रहा है, ठीक है. तो क्यों ना हम पढ़ते वक्त ही वही चीज अपनाएं, समझ में आ रहा है ना, कि पहले थ्योरी थोड़ा इलस्ट्रेशन के साथ साथ सीख गए, और फिर जैसे ही थ्योरी सारे कंप्लीट हो गया, एक साथ सारे बंच ऑफ क्वेश्चन पिक कर लिया, और हम एक एक करके सॉल्व करते जा रहे हो. देखो मैं लॉ पिटल के सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं कर रहा हूँ, बीच में एक साथ क्वेश्चन उठा लिया, जहाँ पे कुछ जगह पे लॉ पिटल भी यूज हो रहा है, कुछ जगह पे बाइनोमियल यूज हो रहा है, कुछ जगह पे डायरेक्टली वो फॉर्मेट यूज करके सॉल्व कर रहे, ठीक है ना. तो उस प्रकार के अलग अलग माइंड सेट आपका भी तैयार होता जाएगा, ठीक है, और आप तैयार रहोगे, ठीक है, नहीं तो आप टॉपिक ढूंढते रहोगे, क्वेश्चन देख करके ही टॉपिक का याद करोगे, अरे कौन सा टॉपिक, सैंडविच है, लॉग पिटल है, क्या है, बाइनोमियल एक्सपांशन है, किससे करें, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है. तो इस जगह पे आप क्या करोगे, हमेशा ये की पॉइंट्स जो है, ये की पॉइंट्स है, ये सर का जो भी की पॉइंट्स है वो नो कॉपी में नोट हो जाना चाहिए, समझ आ रहा है ना, अदरवाइज तो बेकार हो जाएगा, याद ही नहीं रहेगा, इतने की पॉइंट्स बोलेंगे पूरे कैलकुलस में, समझ आ रहा है. साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू अपन क्या मानेंगे, टी मानेंगे, तो एक्स का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, समझ आता है क्या मेरे बात, अरे नहीं आ रहा है क्या, हो ना भाई, साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, समझ आता है क्या. तो इधर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है, अगर एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो साइन इनवर्स जीरो विल टेंड टू जीरो, therefore t also tends to zero, और इधर हो जाएगा 1 by t square minus 1 by sin square t, समझ में आ रहा है क्या, बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना, अभी ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बोले तो कैसे सॉल्व करते हैं, सर पहले तो आप एलसीएम ले लो और उसको दूसरे इंडिटरमिनेंसी में कन्वर्ट करो, सही, क्या सही कर रहा हूं मैं, बराबर सही कर रहे हो सर, ठीक है. अभी ये कौन सा इंडिटरमिनेंसी बन गया, 0 by 0, बोले तो अभी क्या करना है सर, अभी क्या करना है, अभी आप जानते हो कि ये चीज किसको टेंड करेगा, टी स्क्वायर को टेंड करेगा, एस की स्टैंडिंग टू जीरो, तो इसको हटाओ और इधर क्या लगा दो, टी टू दी पावर 4 लगा दो, लपट गया काम, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, चलो समझ आ रहा है. तो अभी क्या करें, अभी अगर ध्यान से देखें, अभी क्या करें, अभी ऐसे मत कर देना इस साइन स्क्वायर टी को भी टी स्क्वायर लिख के टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 0 बाय टी टू दी पावर 4 आंसर 0 दे दिए, नहीं गलत है, ठीक है. क्यों गलत है मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज ये एग्जैक्ट टी स्क्वायर नहीं बन रहा है ना, ये जो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर आप एग्जैक्ट जीरो लिख दोगे, ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, अप्रोचिंग जीरो है, तो अप्रोचिंग जीरो बाय अप्रोचिंग जीरो वापस इंडिटरमिनेंसी लगेगा, समझ में आ रहा है ना, बट आपको डिफरेंशिएट करने के लिए एक्सप्रेशन ही नहीं मिलेगा, इसीलिए यहां पे टी स्क्वायर मत पुट करो, समझ में आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट मानो, आप 4 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ जाएगा यार, वही मेरे को दर्द हो रहा है, समझ आ रहा है क्या आपको, मेरा दर्द समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा तो बोलो, मैं समझा के देता हूं, क्या एक्सपांशन से बोलूंगा तो समझ में आएगा आपको, लगता नहीं यार, चलो लॉ पिटल से ही बता देते, 0 बाय 0 है ना, 0 बाय 0 है, थोड़ा भरे हो जाओ तो फिर एक्सपांशन से बता देंगे इसको, एक्सपांशन का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो भी बता देंगे, बस विजुलाइजेशन चाहिए, विजुलाइजेशन पक्का है तो आराम से हो जाएगा. साइन स्क्वायर टी का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन 2t माइनस 2t डिवाइडेड बाय 4 2q, समझ में आ रहा है, अभी भी 0 बाय 0 बन रहा है, तो इसको वापस डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या होगा, 2 cos 2t, और इसको डिफरेंशिएट करेगा तो क्या होगा, 2 होगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 12 टी स्क्वायर होगा, अभी भी 0 बाय 0 बन रहा है, तो वापस डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा, -4 sin 2t आएगा,
और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 24t आएगा। 24t को मैं क्या करूंगा, 12 into 2t लिखूंगा, और sin 2t by 2t will tend to 1 because t is tending to 0, आंसर हो जाएगा -4/12 which is -1/3। समझ में आ रहा है, क्लियर है? और जिस दिन अपन अगले हफ्ते पहले ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे उस दिन अगर चाहते हो इस लिमिट को मेरे से एक्सपांशन से सॉल्व कराओ तो उस दिन याद दिलाना कर दूंगा, अभी समय नहीं है, ठीक है? या फिर पर्सनली चाहिए आपको तो बता देना, फोन कर दीजिएगा, कर दूंगा, ठीक है? देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ आपको प्रॉपरली, धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके नोट करते हुए चलना है, समझ आ रही है मेरी बात? मेरे भाई हाँ, जरूरत से ज्यादा सवाल कराएंगे तो इतने सवाल कराने के बाद हर टाइप की चीजें बता देते हैं, हर टाइप की चीजें क्लास में बता देते हैं। कोई बच्चा सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ के जाएगा ना, जे मेन में 90% क्वेश्चन को कॉमन मिल जाएगा, ठीक है? एडवांस 50% 60% आराम से आएगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर? तो अगर इतना क्वेश्चन करूं और सारे क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करते करते सुंदर सुंदर लिखते जाओ, वैसे थोड़ी ना होता है, ठीक है? तो बोर्ड एग्जाम थोड़ी ना है, नहीं, इधर दिमाग से भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और आपको भी मेहनत करना होगा, ठीक है? आगे चलते हैं। ये सवाल e power 10x - e power x by sin cube x, समझ आ रहा है? e power 10x - e power x by sin cube x, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, e power 10x - e power x / sin cube x, समझ आ रहा है? तो उसकी आप बना लोगे, मेरे को लग रहा है कि आप बना लोगे, अच्छा नहीं लग रहा है करते हुए, फिर भी कर देता हूं, चलो क्या करोगे? e to the power fx - 1/fx के बारे में सोचो ना, तो fx - 1, ये देखो एडजस्टमेंट कर दी, एडजस्टमेंट, समझ आ रहा है ना? fx - 1/fx चाहिए तो इधर 10x एक आएगा और इधर x चाहिए, इधर x एक आएगा, समझ में आ रहा है? अभी x टेंडिंग टू 0 है तो 10x भी टेंड टू 0 होगा, और ये तो डायरेक्टली किसको टेंड हो गया 1, ये भी डायरेक्टली किसको टेंड हो गया 1, समझ में आ रहा है? तो ऊपर बचा गया 10x - x / क्या बचा? sin³x, और इसको कैसे करते हैं आपको आता है, x³ से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, समझ आ रहा है? बन जाएगा, है ना? x टेंडिंग टू 0 है तो ये sin³x किसको टेंड करेगा? x³ को टेंड करेगा, समझ आ रहा है? अब ये 10x - x एक्सपांशन यूज कर दो, हो जाएगा, या फिर ये फॉर्मेट मैंने आपको पहले भी बता रखा है कैसे करना है, या फिर लॉपिटल लगाना है, लगाओ आंसर निकाल दो, समझ आ रहा है? क्लियर है भाई? चलो आगे देखते हैं अगली चीज देखते हैं ध्यान से। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x+2, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x+2 / 2x - 1 / x²-1 / x+1। बोले तो x tending to 2 पे ये चीज क्या है, ये चीज क्या बन रहा है? हाफ बन रहा है जनाब, सही है क्या? हाफ बन रहा है क्या? हाँ हाफ बन रहा है, ठीक है ना? सॉरी, x tending to 2 पे तो ये 2+2 = 4/3, 4/3 हो रहा है यार, x tending to 2 क्यों दिया? x tending to 2 पे तो ये indeterminacy है ही नहीं, क्या नाम सुना चीजें कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है। ये तो होना चाहिए, ये तो 2 पे तो कोई लिमिट है ही नहीं है, तो डायरेक्टली आ जाएगा 4/4 - 1 = 3, और ऊपर डालेंगे तो ये 3/3 = 1 आएगा, 4/3 to the power 1, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लिया, लिमिटिंग वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है इस जगह पे, ठीक है? छोड़ो, ये शायद किसी गलत क्वेश्चन होगा, इंडिटरमिनेंसी शायद 1 to the power infinity टाइप का होगा, 1 to the power infinity टाइप का होता है तो आप जानते हो एक्सपोनेंशियल लिमिट्स को कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो 0 to the power 0 हो, इंफिनिटी टू द पावर 0 हो, या 1 to the power infinity हो, डायरेक्टली कैसे सॉल्व करोगे? लॉग मान के सॉल्व करोगे, और क्या, समझ आ रहा है ना, ठीक है? और बाद में y = e to the power करने मत भूल जाना, ठीक है? ITJEE मेन सब इस लिमिट को इतना पसंद करते हैं, इतना बार पूछ चुके हैं इस इंडिटरमिनेंसी को, आप जिसका कोई हद नहीं हो, ठीक है? इसीलिए कोचिंग वाला इसका डायरेक्ट फॉर्मुला भी याद कराता है, समझ में आ रहा है ना? वो मैंने भी लिख के दिया था, देखना शीट में, ठीक है? gx into fx - 1 बोलते हैं, ठीक है? बट ये सब याद करने का जरूरत नहीं है, सर का ट्रिक सीखो, 0 power 0 हो, इन्फिनिटी पावर 0 हो, 1 to the power infinity हो, तीनों प्रकार के लिमिट को अपन एक झटके में सॉल्व करेंगे लॉग मान करके, समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे फंसाएंगे, बोले सर ये क्वेश्चन करा है तो ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? बेटा कारण ही यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, वो बेसिक डिफरेंस मैं आपको दिखा करके दे रहा हूं। इधर भी 0/0 फॉर्मेट है, इधर भी 0/0 फॉर्मेट हो, तो आप वही सोचोगे प्लस माइनस करना, -1 कर दिए और इधर क्या कर दिए, +1 कर दिए, समझ में आ रहा है ना? और इधर x³ हो गया, अभी e टू दी पावर fx - fx
वन के नीचे एफ एक्स चाहिए तो टेन एक्स एन एक्स लगा दिए, और इधर साइन एक्स चाहिए तो साइन एक्स लगा दिए। ठीक है, अभी ये किसको टेंड करेगा, वन को, बिकॉज एक्स टेंडिंग टू जीरो तो टेन एक्स भी टेंड टू जीरो होगा, है ना। तो ये वन को टेंड करेगा तो ये टेन एक्स इंटू वन हो गया, माइनस इधर क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे ये साइन एक्स किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, जीरो को टेंड करेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग टू बेस ई, और इधर क्या आएगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, समझ में आ रहा है। तो सिचुएशन को पहचानो, टेन एक्स माइनस लॉग टू इंटू साइन एक्स आ गया डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, पहले यहां पे क्या था, टेन एक्स माइनस एक्स था, तो जब दोनों का एक्सपांशन में लिख रहा था तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया था, अभी एक्स एक्स कैंसिल नहीं होगा, अभी एक्स कॉमन जा करके ऐसा टर्म आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। बाकी एक्स क्यूब के बाद जो एक्स टू दी पावर फाइव से शुरू होगा वो सारे टर्म तो लिखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एक्स क्यूब से डिवाइड होने के बाद न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर टाइप का चीज आ जाएगा जिसका लिमिटिंग वैल्यू जीरो हो जाएगा, एज एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, समझ में आ रहा है। बट एक्स क्यूब वाला टर्म तो डिवाइड होकर के आंसर दे देगा आपको प्रॉपरली, बट पहले क्या हो रहा था, जो एक्स वाला टर्म है वो तो कैंसिल हो रहा था ना, वो कैंसिल हो रहा था, बट अब की बार ये कैंसिल नहीं होगा। सर ध्यान से देखो, ये टर्म बचा रहेगा, ये टर्म से जब भी एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो नीचे एक्स स्क्वायर बचा रहेगा, अगर फाइनाइट बाय एक्स स्क्वायर है और एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो ये किसको टेंड करेगा, भाई इंफिनिटी को टेंड करेगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे एक जहरीला चीज आ गया, समझ में आ रहा है। तो जब भी यहाँ पे टू टू दी पावर साइन एक्स होने के कारण ये नलायक आ गया, और ये नलायक आने के बाद वो पहला एक्स टू दी पावर वन वाला टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है, जिस वजह से आंसर जो है वो किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। और अगर आंसर इन्फिनिटी को टेंड किया तो अगर ऑप्शन में है डज नॉट एग्जिस्ट तो वो डालोगे, या तो एग्जिस्ट इनफाइनिटली अगर है तो वो डाल सकते हो, समझ में आ रहा है, क्लियर है। या फिर आप प्रॉपरली एक बार चेक भी कर सकते हो क्या एलएचएल आरएचएल क्या हो रहा है। ठीक है, अगर एलएचएल प्लस इन्फिनिटी होता है, आरएचएल माइनस इन्फिनिटी होता है, तो वाकई ये क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट का सीन बनेगा ना भाई, समझ में आ रहा है, क्लियर है। और बिल्कुल बराबर यहाँ पे वन अपॉन एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और साथ में कुछ फाइनाइट वैल्यू और साथ में इधर, तो एक्स स्क्वायर तो आपका क्या हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, प्लस जीरो माइनस जीरो, दोनों में प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो यहाँ पे ये लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनिटली हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट होने के बाद मान लो यहाँ पे अगर x टू दी पावर 4 होता तो यहाँ पे x क्यूब बचता, x क्यूब अगर बचता तो प्लस 0, 0 प्लस पे कुछ एक सिनेरियो होता और 0 माइनस में कुछ और होता, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट का केस हो जाता, समझ में आ रहा है ना। तो आंसर अगर किसी भी लिमिट को सॉल्व करने के बाद उसका आंसर इंफिनिटी आ रहा है तो आप चेक करके एक बार देख लेना क्या एलएचएल आरएचएल सेम है या नहीं, अगर एलएचएल आरएचएल दोनों के दोनों प्लस इंफिनिटी या फिर दोनों के दोनों ही माइनस इंफिनिटी को अटेंड कर रहा है उसका मतलब क्या हो जाएगा कि डज नॉट एग्जिस्ट नहीं, एग्जिस्ट इनफाइनेटली हो जाएगा। और अगर एलएचएल प्लस इंफिनिटी आरएचएल माइनस इंफिनिटी हो गया तो इस केस में क्या बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो इसको, डज नॉट एग्जिस्ट बोल सकते हो, समझ में आ रहा है ना। तो इसी प्रकार से आपको चीजें जो है वो समझना है, सॉल्व भी करना है, ठीक है। हैवी ये भी कंसेप्ट बता रहे, एक एक लाइन में मेरा बहुत सारी चीजें निकल रहा है, समझ में आ रहा है ना, एक एक लाइन बहुत सारी चीजें हिंट कर रहा है, सारे चीज को समझ करके धीरे धीरे, मेरा डेढ़ घंटे का वीडियो, मेरा दो घंटे का वीडियो अगर तेरे को देखने में पांच घंटा नहीं लगा, नोट वोट लेकर के अगर पांच घंटा नहीं लगा तो कुछ नहीं किया, मेरा एक भी बात समझ नहीं पाएगा तू, ठीक है। मेरा एक एक लाइन में बहुत सारी चीजें मैं हिंट दे रहा हूँ, वो सारी चीजें दिमाग में नहीं कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि कॉपी में होगा तभी दिमाग में रहेगा एग्जाम तक, आज के डेट में दिमाग में रहेगा उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा साल भर रहेगा, आज के डेट में दिमाग में नोट करके कोई फायदा है भी नहीं, कॉपी में उतारोगे तभी जाकर के उसको रिविजन करोगे, और जब रिविजन करोगे तभी तो एग्जाम तक पहुंचेगा वो लाइन, और एग्जाम तक अगर नहीं पहुंचा तो अप्लाई कहां पे करोगे, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो कॉपी में प्रॉपरली नोट होना चाहिए, जो कॉपी चेक करूंगा आपका, अगर प्रॉपरली मिला नहीं तो बहुत पिटूंगा, याद रखना। तो आज के लिए अपन यहीं तक रखते हैं, समाप्त करते हैं, और बाकी ये तो लेक्चर नंबर 5 क्या लिमिट का, और 3 लेक्चर होगा कम से कम, और 3 लेक्चर तो हो गए, वो सारे लेक्चर कल तक मिल जाएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद अपन बाकी आगे कंटिन्यूटी रिफ्रेशेबिलिटी वो सब बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू हुआ, कैलकुलस चल रहा है बढ़िया से, चलने दो और प्रॉपरली इसको ख़त्म करो, है ना, और पढ़ते रहो, होमवर्क करते रहो, बस अलविदा आज के लिए।